Hello everyone. Hello everyone. Welcome to session 4. आज का सेशन पूरा प्रैक्टिकल रहेगा और हम लोग आज मार्क करना सीखेंगे कि डायरेक्शंस होती क्या है। हाँ, ज़ूम। जी, रेडी? वॉइस आ रही है सबको? सब लोग तैयार? अभी तक के सभी टॉपिक्स क्लियर हैं? सबको समझ में आ रहा है? नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो लोग बाहर से हैं उनके वहां पे जो भी टाइम हो रहा हो एडजस्ट कीजिए। और कौन कौन है? नंदिता जी, कलकत्ता से हो आप? कल बुरा तो नहीं लगा बात का? आज गल्ला सच्चियां नहीं लगाया? हाँ, मैं सुबह से उसको 2-3 बार सुन चुका था इसलिए नहीं लगाया। लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाया, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मैं लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाया। बहुत बुरा हुआ जी आपके साथ, आपको करना चाहिए था। आते ही संदीप जी, अभी करते हैं बात ओवरहेड वाटर टैंक वगैरह, थोड़ा सा चिल मारते हैं, थोड़ी सी बातें बातें करते हैं आराम से, फिर आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। डन। और कौन है? मनीष, कुछ नाम है मेरे पास जो लोग फेसबुक पर पोस्ट जाते ही रात को चाहे कोई भी टाइम हो जाते ही शेयर करते हैं, जैसे मनीष आचार्य जी हैं, अनंत जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, संगीता दवे जी हैं, रुचि अग्रवाल जी हैं, सौरभ जैन हैं। ये लोग पोस्ट को बड़े दिल से शेयर कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग चैरिटी वाला फॉर्म भर के हम तक पहुंच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई लोगों का, सबका भला करने के लिए बहुत सारे नाम दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं, उनको शिकायत भी है, किसी को टीम से शिकायत है, किसी को मुझसे शिकायत है, अलग अलग बातें हैं। चलता रहेगा ऐसा सब कुछ, शिकायतें होनी भी चाहिए तभी सुधार होगा, बट सब लोग थोड़ा बिजी हैं। मेरे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको ये सब लोग मिलकर फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों की गलती नहीं है, हर बात मुझ तक पहुंच रही है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ रही है। ऐसा कोई इंटेंशन या मन नहीं है, गलतियां सुझाव आप सभी लोगों के, रोज हम कोशिश करते हैं कि अपने सेशंस को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। सो, शिकायतें आनी चाहिए, गालियां भी दे दोगे तो भी ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अच्छी बात है। और कौन कौन है? Let me see. मृणालिनी जी, आपको आ रहा है अब कुछ क्लियर हुआ? जोन्स एट्रीब्यूट सब क्लियर हुए? मृणालिनी जी, आपको आवाज आ रही है? आपका कल विषय था कि उनको, हाँ, राइट 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 राइट, नो वॉइस। कुछ लोगों को वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक। क्या सभी लोगों को वॉइस आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। सो, आज का सेशन बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला है। कुछ लोगों की, एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करूंगा आज के सेशन की। कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग आगे लोग नहीं जोड़ पाते या बहुत मुश्किल है, कैसे हम लोगों को बताएं कि हम पे यकीन करें।
सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप पर यकीन कीजिए। जब मैं दिल्ली आया था तब तो मेरे पास एक दोस्त भी नहीं था जिसका काम मैं कर सकता था, पर सब हो जाता है मानिए। और जो लोगों ने 50, 100 लोगों के नाम दिए हैं उनके पास तो कमाए हुए लोग हैं, तो आप सभी लोग मुझसे तो बहुत अच्छा करने की काबिलियत रखते हो, करेंगे हम सब लोग मिलके। सो एक बार की बात है, एक इंसान किसी के घर पर जा रहा था, होता है जैसे कि मेरा कोई दोस्त मेरे घर पे आ रहा हो, वैसे वो अपने दोस्त के घर पर जाता है। तो जब वो अपने दोस्त के घर पर जाता है, पहुंचता है, तो उसका दोस्त किसी और जगह पर जा रहा होता है, बड़ा फकीर, बड़ा मस्त, एक पुराने से कपड़ों को पहनकर नॉर्मल जो अपनी जिंदगी जीते हैं उसके लिए वो जा रहा होता है। तो जो उसका दोस्त आता है वो कहता है, मैं तो तुझसे मिलने आया था, तू तो मेरे साथ जा ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा तेरे बिना। तो वो कहता है, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तो जब वो साथ जाने लगता है तो वो बोलता है, एक काम करते हैं, मैं थका हुआ आया हूं, मेरी पोशाक खराब हो चुकी है, तो क्या आप मुझे अपने कपड़े दे दोगे? तो वो उसको अपने कपड़े दे देता है। जब वो अपने कपड़े देता है तो जो पोशाक वो देता है वो पोशाक बहुमूल्य पोशाक होती है, बहुत कीमती बेशकीमती पोशाक होती है, लेकिन उसके किसी काम की नहीं होती क्योंकि वो फकीर होता है। तो वो इंसान उसको अपनी बहुत कीमती सोने से जड़ी हुई, हीरों से जड़ी हुई बेशकीमती पगड़ी के साथ वाली पोशाक दे देता है। अब ये दोनों लोग अपने तीसरी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर वो फकीर जा रहा होता है। तो वो अपने दोस्त के घर पर चले जाते हैं, जिसके भी घर पर वो जा रहे होते हैं वहां पर चले जाते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं, वहां जाकर सामने वाला उनसे परिचय की बात करता है कि इनका परिचय क्या है। तो वो बड़े आदरपूर्वक बोलते हैं, ये मेरा दोस्त गोपी राम, ये बीकानेर से है, इनके पिताजी का नाम नथु राम, इनकी माता जी का नाम कांताबाई, और ये जो पोशाक इन्होंने पहन रखी है ये बस मेरी है। सामने वाला दंग रह जाता है कि इसने ये क्या बात बोली। फिर उसके बाद में उसके दोस्त को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो लोग बाहर जाते हैं कि यार तूने ये क्या बोला कि पोशाक, कहता है यार मेरे मन से निकल गया, मुझे नहीं पता लगा कि मैंने कैसे बोला। और वो फकीर के मन में तो चल ही रहा होता है कि ये जो पोशाक है, इतनी कीमती पोशाक जो मैंने इसको पहना दी, इसके बाद इस इंसान का ऑरा बढ़ चुका है, इस इंसान की एक अटेंशन है जो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं वो बढ़ चुकी है, तो सभी लोग इसी को नोटिस कर रहे हैं, मुझे तो कोई नोटिस कर ही नहीं रहा। तो उसके मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं। फिर वो दूसरे के घर में जाते हैं, फिर वो परिचय की बात होती है। तो वो बोलता है, ये मेरा दोस्त, इसका नाम गोपी राम, इसके बाप का नाम नथु राम, इसकी माँ का नाम कांताबाई, ये बीकानेर से, और जो पोशाक इसने पहन रखी है ना ये भी इसी की है। अब वो फिर दंग रह जाता है कि ये हुआ क्या। उसका दोस्त उसके पास बाहर जाके बोलता है कि तूने अच्छा नहीं किया, ये बात अच्छी नहीं लगी। जो फकीर होता है वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ये ध्यान, ये अटेंशन, ये मेरी तरफ ना रहकर उस पोशाक की तरफ गई ही क्यों। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो दिखावा है वो बिकता है, या मेरे अंदर तो काबिलियत है ही नहीं, काबिलियत तो वेशभूषा की है, जो लोग अपने आप को बड़े लेवल पर दिखा रहे हैं उनमें कुछ काबिलियत है, काबिलियत तो हमारे अंदर है, हमारे नाम में है, हमारी पहचान में है, हमारी नॉलेज में। तो आपने कोई भी पोशाक पहनी हो, कैसे भी अपने आप को आप दुनिया को दिखा रहे हो, अगर आपके अंदर वो दम है तो लोग आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लोग आपकी बात की कदर करेंगे ही करेंगे, और आपकी बात की तवज्जो दी ही जाएगी। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे इसी बात से कि हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे, देते रहेंगे, और अपनी अपनी काबिलियत पर फोकस करके हम दुनिया का भला करते रहेंगे। अभी तक के सेशन में किसी को कुछ डाउट्स हों तो हम उनको पहले लेते हैं, फिर उसके बाद में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल फायर स्पेस के एलिमेंट नहीं आए, प्लीज क्लियर कर दें, फायर स्पेस के एलिमेंट नहीं आए। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है रजनी जी, एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं दोबारा लिखिएगा। ड्यू टू डायरेक्शन बैड इफेक्ट्स आवर बॉडी डिस्टर्ब, आवर चक्रास गेट डिस्टर्ब, सेम वे व्हेन वी हील
or energize that chakra related to that problem, then can we balance vastu dosha also? Beautiful story selection. जी, दो बातें आपने बोली. स्टोरी आपकी अच्छी है, थैंक यू. बहुत मैं स्टोरीज पढ़ता रहता हूँ, तो उन्हीं में से जो अच्छी लगती है, रिलेटेबल लगती है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ. अब बात रही चक्रास को बैलेंस करने की. ये साइंसेस अलग अलग हैं. टैरो है या एनर्जी हीलिंग है या रेकी है, ये सब साइंसेस इंसान के माइंड को इवैल्यूएट करने के लिए, माइंड को शिफ्ट करने के लिए बनाई गई. बट लिटरली जो अगर वास्तु की हम बात करें, क्या मेरी एनर्जीज को बैलेंस करके वास्तु सही हो जाएगा? नहीं होगा. वास्तु दोष कम इफेक्ट करेगा एक बार को, ये कहा जा सकता है. पर अगर वास्तु बैलेंस है तो क्या उससे आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं? यस, 100% परफेक्ट बात है. बिना रेकी हीलिंग के, बिना मेडिटेशन के, ये चक्रास बैलेंस हो सकते हैं अगर आपके घर का वास्तु बैलेंस है. वास्तु में और दूसरी साइंसेस में फर्क ही यही है कि वास्तु वाले स्पेस में जाने के बाद में आपके माइंड के पास ऑप्शन नहीं रहता उससे इन्फ्लुएंस ना होने का. पर अगर आप चक्रा हीलिंग या किसी भी तरीके की हीलिंग्स को यूज करते हैं, तो आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, कितनी आपने साधना कर रखी है, कितने मेडिटेशन आपने कर रखे हैं, और सामने वाला इंसान किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, उसकी कितनी साधना है, इस पर बहुत फर्क पड़ता है. सो वास्तु करना ज्यादा जरूरी है. फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट नहीं किए, एक बार दोबारा बता दें. फायर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट मैंने किए थे, मैं आज एक बार छोटा सा रिवीजन करवा दूं. इन विच डायरेक्शन ब्रांड लोगो टू बी प्लेस फॉर अट्रैक्ट इन लाइफ. ब्रांड का लोगो कहां पर, अगर आपका खुद का ब्रांड है जिसको आप प्लेस करना चाहते हो, तो बेस्ट प्लेसमेंट इज वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. ये दो बेस्ट प्लेसमेंट होती हैं ब्रांड के लोगो को लगाने के लिए. पर बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजिकली आपका जो ब्रांड का लोगो है, क्या उसके कलर्स वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के लायक भी हैं. सपोज किसी का रेड है तो वहां पर नहीं आ पाएगा, ग्रीन है तो नहीं आ पाएगा, ब्राउन है तो नहीं आ पाएगा. सो इसलिए आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, उन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से जोन सिलेक्शन होता है. इन अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो यस, बेस्ट प्लेसमेंट इज वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. येलो इज एंटी इन नॉर्थ लाइक रेड कलर. यस, येलो इज एंटी इन नॉर्थ लाइक रेड कलर. एयर एलिमेंट का टेस्ट क्या है? एयर एलिमेंट का टेस्ट खट्टा है. सो इफ चाइल्ड एलिमेंट कंट्रोल पेरेंट एलिमेंट इन हिज जोन, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हाउ कैन वी एनर्जाइज द पेरेंट एलिमेंट? आज इस टॉपिक के ऊपर बात होगी, बार चार्ट के ऊपर. सर्टिफिकेट्स एंड मेडल कहां प्लेस करें? सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स वेस्ट में ही प्लेस करने चाहिए, या वेस्ट साउथ वेस्ट में भी प्लेस कर सकते. वॉटर डेंपनेस इज कंसिडर्ड एज एंटी एलिमेंट. यस, वॉटर डेंपनेस नेगेटिविटी को दर्शाती है, क्योंकि वहां पर पानी इकट्ठा होता है. इसके पीछे पूरा एक टॉपिक है, वॉटर का फ्लो क्या होना चाहिए, उसके स्लोप्स क्या होने चाहिए, छत का स्लोप क्या होना चाहिए. वक्त मिला तो मैं इसी वाले कोर्स के अंदर इसको जरूर लूंगा. थोड़ा सा अलग आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते. बट मेरी कोशिश है मैं इस टॉपिक को जरूर लूं और आप लोगों के साथ साझा करूं. इफ समवन वांट्स टू चेंज द कोर्स ऑफ हर प्रोफेशन, व्हाट शुड वन डू? समवन वांट्स टू चेंज द कोर्स ऑफ हर प्रोफेशन, व्हाट शुड वन डू? किसी को अपना प्रोफेशन चेंज करना है तो उसको क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले अपने घर का साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ, इसको बैलेंस करना चाहिए, इसको स्टेबल करना चाहिए. जब आपका साउथ वेस्ट बैलेंस होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, देन आप सोच पाओगे कि मुझे अपनी लाइफ में कौन सा प्रोफेशन चाहिए और उसके लिए क्या स्किल सेट्स चाहिए, सो दैट कि आप उस प्रोफेशन में जा पाओ. ग्लास और मिरर इज वाटर एलिमेंट और नॉट? ग्लास और मिरर इज अभी आएगा, अभी ये वाला टॉपिक आएगा, हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे. नॉर्थ वेस्ट में किचन रेड कलर में हो तो क्या करें? बताएंगे जी. बैलेंसिंग कब करेंगे? बैलेंसिंग बहुत जल्द करेंगे. आज अभी तो चौथा ही सेशन है, आठ सेशन है हमारे,
करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जरूर करेंगे. सो व्हाट एलिमेंट इज प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ, बॉक्स, बेड मैनेजमेंट, ग्लास स्लैब, नॉट मिरर, वुडन कपबोर्ड मटेरियल. नहीं समझ में आया रुपिंदर जी क्या कहना चाहते हैं आप. वी हैव वाटर स्लाइडिंग फ्रॉम वॉल एज इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग. Does it affect us as per vastu? We have water sliding from wall. नहीं समझ में आ रहा. Water sliding from wall as it is. थोड़ी सी English मेरी भी weak है, तो थोड़ा सा आसान शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. I think मेरे को समझ में आएगा. All disease, especially cancer, diabetes, etc. Health वाले topic में ही बात आएगी. Health वाले topic में ही बात आएगी, disease वाली. Yes. डिजीज के लिए वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ये हेल्थ का हमारा एक पूरा सेशन होगा जिसके अंदर मैं इसको अच्छे से क्लियर करूंगा. सर पूजा रूम इन नॉर्थ वेस्ट, पूजा रूम के ऊपर हमने बात नहीं करी अभी. सर अर्थ का कलर क्या होता है? अर्थ का कलर येलो और गोल्डन होता है. व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम द ब्लॉक ऑफ मनी एज मनी फ्लो हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड. मैंने जैसा कुछ बताया था कि अगर मनी फ्लो स्टॉप हो चुका है, ब्लॉक्ड है, आपकी पेमेंट्स ब्लॉक्ड है, पैसा रुका हुआ है, तो साउथ ईस्ट के अंदर आपके वाटर एलिमेंट होगा, वहां पर कुछ ब्लैक या ब्लू कलर होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा. करना क्या है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे. पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना सीखिए कि क्या उस जोन में, उस डायरेक्शन में आपको कोई एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी मिली क्या. वुड वी बी स्टडिंग एन आइडियल हाउस प्लान विद यू? यस अंजु रॉय जी, मेरा एक टॉपिक है, मन भी है, पर हाउस प्लान करने के लिए मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूं. एज ऑफ नाउ कोई इस बात को करवा नहीं रहा, क्योंकि कोई भी नई जगह को प्लान करने के लिए आपको डिवाइन प्रपोर्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है. मैं ये बात झूठी हो जाएगी अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि 16 दिशा और पंच तत्व, या एक आपने प्लॉट सिलेक्शन कर लिया. हाउस डिजाइनिंग में मैं सब कुछ मानता हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू सिलेक्ट द प्लॉट, मुहूर्त, नींव का रखना, मकान मालिक के हिसाब से जिसके नाम पे मकान है उसकी नींव का रखना, देन एट लास्ट द डिवाइन प्रपोर्शंस तक उसके घर को डिजाइन करना. तो उसमें इंटीरियर्स भी आते हैं, उसमें बेड की प्लेसमेंट्स भी आती हैं, उसमें बेड के साइजेस भी आते हैं, चेयर के साइजेस भी आते हैं, सब कुछ होता है. सो हाँ, बेसिक लेवल पर जो आप 16 डायरेक्शंस की बात कर रहे हो, यस मैं करवाऊंगा कि किस तरीके से घर का डिजाइन करते हैं, बट क्या वो 100% वास्तु के हिसाब से होगा, ये बात थोड़ी सी गैप वाली होगी, क्योंकि हमें डिवाइन प्रपोर्शंस आना बहुत जरूरी है 100% रिजल्ट देने के लिए. और वो कोई करवा नहीं रहा है, आज तक किसी ने नहीं करवाया, और मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बताया कैसे जाए, कि उसका कोर्स कैसे डिजाइन किया जाए, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल प्रोसेस है. और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अभी तक मेरी टीम को भी वो समझ में नहीं आ रहा है. So, पहले हम कोशिश करते हैं कि मैं उसको पढ़ा पाऊंगा. अगर मैं पढ़ा पाऊंगा तो मैं पक्का उसको भी लेके आऊंगा. What percentage of anti element, कहां पर थे हम लास्ट? Earth is anti to water and थोड़ा सा ऊपर चलेंगे. कौन सा जोन? हाँ हो गया, ये हो गया. If we paint अर्थ का कलर हो गया, अगर जोन कॉर्नर में आता है तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है. जोन कॉर्नर में व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम द ब्लॉक ऑफ मनी हो गया. वॉश बेसिन इज वाटर एलिमेंट. वॉश बेसिन इज नथिंग. वॉश बेसिन को हम किसी एलिमेंट में कवर नहीं करते, ना ही उसका कोई इफेक्ट देखा गया है. इट इज ओके इफ ओवरहेड वाटर टैंक इज इन साउथ वेस्ट, देन व्हाट इज द रेमेडी? हम करेंगे, रेमेडीज पे हमने अभी बात नहीं करी, हम आगे करेंगे. अभी के लिए आप लोग सिम्टम्स को मैच करना सीखिए, जैसे कि इस जोन के एट्रीब्यूट्स ये हैं, यहाँ पर ये होने से ये होता है. एक या दो चीजों के ट्रीटमेंट्स में मत फंसिए. ट्रीटमेंट आपको बहुत इजीली आ जाएंगे, लेकिन आपको मैच करते पहले आना चाहिए. आयरन मेरा ब्राउन कलर स्पेस एलिमेंट, और आगे बढ़ो, स्पेस के अंदर नॉर्थ वेस्ट आएगा. व्हाट आर फुटवेयर कंसीडर्ड एज? फुटवेयर कंसीडर्ड एज शूज. नथिंग, मतलब शूज उनसे कोई इफेक्ट नहीं होता है. फुटवेयर और आपके जो वीनस और शनि का मिश्रण होते हैं फुटवेयर, सो इट डिपेंड्स कि आप किस क्वालिटी के यूज करते हैं. इफ इन केस नॉर्मल है देन शनि, इफ इन केस लग्जरीज हैं तो वीनस के होते हैं. अब इसको वास्तु में कैसे देखते हैं, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बट यस थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर आप और देखते हैं, तो थोड़ा सा अपनी कुंडली को देखकर आप उसको कहीं पर रख सकते हैं कि यहाँ पर रखोगे
तो थोड़े से और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं या वो आपको तंग नहीं करते या प्रॉब्लम नहीं करते। इसीलिए पुराने टाइम में इन चीजों से बचने के लिए शूज को हमेशा घर के बाहर रखने का सलाह दी जाती थी। वी हैव वॉटर फ्लोइंग फ्रॉम वॉल एज इट इज एन ओल्ड बिल्डिंग, डज इट इफेक्ट? यस, इट इफेक्ट्स वेरी मच। अगर किसी वॉल पर वॉटर फ्लो हो रहा है, लीकेज है, सीपेज है, या किसी तरीके की कोई सीलन है, तो वो बहुत मेजरली इफेक्ट करती है, स्किन के इश्यूज बहुत देती है। जिस भी वास्तु पुरुष की जिस भी जगह पर ऐसी प्रॉब्लम होगी, उस जगह पर स्किन के इश्यूज आएंगे, हाथ में गांठे बनेंगी, पैरों में गांठे बनने की प्रॉब्लम आएगी, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। हेल्थ के अंदर हम इसको कवर करने वाले थे, बट अगर है सो आप उसको एटलीस्ट किसी टाइल से या किसी तरीके से ढकवा कर सेट कर लीजिए। वी कैन रीपेंट वॉल, कहां पर है हम? वुडन ब्राउन बेड इज एन एंटी कलर फॉर साउथ वेस्ट? नो, वुडन फर्नीचर कभी भी एंटी एलिमेंट नहीं होता। टेस्ट ऑफ फायर इज तीखा, स्पाइसी। सर, स्पेस को मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं? यस, स्पेस को मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं। वॉटर ड्रेनेज सिस्टम इन साउथ वेस्ट इज इफेक्ट, आगे करेंगे। सर, वी कैन रीपेंट वॉल बट हाउ टू ट्रीट टाइल्स ऑफ एंटी कलर? पेंट करवा दीजिए उसको, सिंपल। साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट किचन। नितेश जी कुछ खा रहे हैं ना, मेरे को देख के भूख लग जाती है, प्लीज कुछ खाइए मत बीच में। साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट किचन विद ब्लैक फोर ग्लास टॉप ग्लास बर्नर, इज इट रॉन्ग? साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट किचन विद ब्लैक फोर ग्लास टॉप, यस इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था आप सभी के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, किचन काउंटर का सेकंड क्वेश्चन है, किसी ने नॉर्थ वेस्ट में भी किचन काउंटर की बात करी थी। सो इस बात को कैसे समझा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में ब्लैक कलर का काउंटर टॉप आ गया तो वो वॉटर एलिमेंट हो गया, उससे आपकी स्टेबिलिटी और हेल्थ लाइफ खराब हो सकती है। इसके लिए हमें वहां पर येल्लो कलर करवाना होगा पूरी स्लैब पर। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ये हमारा वाटर एलिमेंट हुआ और हमारा साउथ वेस्ट में किचन हुई, किचन है फायर। सबसे पहले कुछ लोगों का ये मानना है वो सिर्फ किचन का जो बर्नर है, ये जो बर्नर हमारा हुआ, इसी को ट्रीट करवा देते हैं कोई एक पत्थर इसके नीचे रखवा के, जो कि कई मायनों में सही भी है और कई मायनों में गलत भी। सही कब है? सही तब है जब साउथ वेस्ट की किचन का काउंटर का कलर व्हाइट हो, ग्रे हो, ऑफ व्हाइट हो, तब तो सही है। अगर ये काउंटर का कलर ब्लैक है तो हमें ब्लैक कलर जो कि वाटर एलिमेंट है उसको भी अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से दोबारा समझ के देखिए, ये मेरी किचन का काउंटर टॉप है, यहां पर हमने एक बर्नर लगा रखा है। अब अगर मेरा ये पूरा काउंटर टॉप ब्लैक है जो कि साउथ वेस्ट में है, तो हमें इस पूरे काउंटर टॉप को ही, पूरे काउंटर टॉप को येलो करवाना पड़ेगा। अदरवाइज हम यहां का ये जो ब्लैक वाटर है इसको हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे और ये प्रॉब्लमेटिक हमेशा रहेगा। कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोग क्या करते हैं, इस चूल्हे चूल्हे को ट्रीट करवा दिया, चूल्हा ट्रीट हो गया, दैट मींस फायर ट्रीट हो गई, पर वाटर एलिमेंट अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो काउंटर टॉप का कलर ब्लैक है ये अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। अगर किसी का साउथ ईस्ट जो कि फायर है,
यहां पर गैस बर्नर है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमें ट्रीट नहीं करना क्योंकि फायर के जोन में ही फायर है। बट अगर इसका काउंटर ब्लैक कलर का है तो पूरा काउंटर ही हमें रेड या ग्रीन करवाना होगा। प्रॉब्लम चूल्हे की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम है काउंटर की वजह से, तो आपको काउंटर भी कराना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी ये रेड कलर का है तो ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब तीसरा मैं आपको बताता हूं, अगर नॉर्थ में किचन है और काउंटर ब्लैक कलर का है और यहां पर आपने चूल्हा रखा हुआ है, अगर ये ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर के कारण नॉर्थ को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस बर्नर के कारण है। तो हम सिर्फ बर्नर के नीचे एक पत्थर रख के इसको ट्रीट कर सकते हैं। कौन सा पत्थर, कैसा पत्थर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, एज ऑफ नाउ रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि आप लोगों को किचन के सिम्टम्स पता होने चाहिए और एंटी एलिमेंट पकड़ में आने चाहिए। जब आपको बीमारी पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम उसको ट्रीट भी करवा पाएंगे। इस कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट एज बात करने का तरीका या कन्विंसिंग पावर, यस कन्विंसिंग पावर इज फायर बट बात करने का तरीका इज वाटर। सर व्हाट एलिमेंट इज प्लास्टिक, पेपर, क्लोथ, बॉक्स, बैड, मैग्नेट, ग्लास स्लैब, वुडन कपबोर्ड, मेटल, अलमीरा। सर व्हाट एलिमेंट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक का मेटल डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या है, क्योंकि प्लास्टिक नेचुरल नहीं है, उसको बनाया गया है। जो भी चीज बनाई जाती है उसका मेटल उसके कलर से डिटेक्ट होता है, रेड है तो फायर, ब्राउन है तो एयर, इस तरीके से आपको देखना है। पेपर, पेपर इज एयर एलिमेंट एंड मिक्सचर ऑफ एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। एयर क्यों, क्योंकि वो बनता पेड़ से है, और स्पेस क्यों, जब भी उस पर लिखना स्टार्ट करते हो तो वो नॉलेजफुल हो जाता है और वो मैनिफेस्टेशंस भी देता है, इसलिए पेपर को एयर एंड स्पेस दोनों में काउंट करते हैं। क्लोथ, क्लोथ शुक्र के होते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, जो भी कलर के क्लोथ्स है। इस बात से एक बात मेरे को याद आई, एक बार एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त का रूम नॉर्थ में था, तो उसको पता लग गया कि मैं वास्तु करता हूं, तो उसने मेरे से कुछ लेक्चर्स ले लिए, कुछ वीडियोस को सुन लिया, उसको पता लगा कि नॉर्थ का कलर तो ब्लू और ब्लैक। अब वो टेंशन में आ गया, कहता यार मेरा फेवरेट कलर तो ग्रीन है और मेरे तो कपड़े भी ग्रीन और व्हाइट होते हैं, या मैं ग्रीन कलर बहुत यूज करता हूँ, मेरे तो ब्राउन कलर बहुत यूज करता हूँ, मैं तो रेड कलर बहुत यूज करता हूँ, ब्लू और ब्लैक तो मेरे को पंडित जी ने मना किया था। अब भाई साहब ने बिना पूछे जब उसने वीडियो सुन ली तो अपनी अलमारी के सारे कपड़े ब्लैक ब्लू कर दिए, इनफैक्ट शूज भी, मेरे पास फोटो भी है उसकी, मैं कभी दिखाऊंगा जरूर। तो एक बार उसने फोटो भेजी, शूज और सॉक्स और पैंट और शर्ट और सब कुछ, मतलब उसने ब्लैक कलर का पहन रखा था। सो उसने मेरे को बकायदा फोटो भेजी, तब वो ठीक भी लगा। मैंने कहा शुक्र है तेरा कमरा ईस्ट में नहीं था, नहीं तो तू शूज सॉक्स पैंट शर्ट सब ग्रीन पहन के घूम रहा होता। ऐसा नहीं करना है हमें, कपड़े इज ओके अनटिल अनलेस कि आप किसी लड़कों के घर में नहीं हो। लड़के क्या करते हैं, चद्दर एक ही एक एक साल तक बिछा के रखते हैं, उस केस में कपड़ा इफेक्ट करता है, अदरवाइज वो चेंज होता रहता, दैट इज ओके। सो व्हाट एलिमेंट इज प्लस, हाँ डन, साउथ वेस्ट साउथ किचन विद ब्लैक कलर ग्लास टॉप बर्नर, इज इट रॉन्ग, हो गई इस पे बात, यस इट इज रॉन्ग। उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। साउथ वेस्ट में रेड कलर का फ्लोर हो तो क्या करें, साउथ वेस्ट रेड कलर का फ्लोर हो तो क्या करें, उसको चेंज करवाना पड़ेगा जी, फ्लोर का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर है तो आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप के इश्यूज भी आ सकते हैं। डिवाइन प्रोपोर्शन इज अयादि, एम आई राइट सर जी, डिवाइन प्रोपोर्शन इज मिक्सचर ऑफ अयादि गोल्डन रेशियो एंड सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रीक फिलोसफी। तो तीन चार चीजों का मिक्सचर है, जो कि कुछ लोग सिर्फ अयादि को फॉलो किया करते थे, अयादि के भी तीन चार पार्ट्स हैं, ब्राह्मण सूत्रधार में अलग है, विश्वकर्मा प्रकाश में अलग है,
सो वो एक अयादी है, देन अयादी डिपेंड्स ऑन कि आप काम क्या करते हो, वो वाला पार्ट है, देन गोल्डन रेशियो है, देन ग्रीक फिलोसफी में साइजेस को यूज करने के ऊपर बात करी गई है. इन सभी का मिक्सचर का नाम मैंने डिवाइन प्रोपोर्शन दिया है, और एक एंड यूजर को किस तरीके से उसको बताना है या उसके लिए काम करना है, उसमें इन सब चीजों का रोल प्ले होता है. जैसे अगर हम कुछ दिन पहले लोगों की भी बात कर रहे थे, और बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास लोगोज की भी आई है, और वो जो पर्टिकुलर लोगोज हैं वो मैं ही डिजाइन कर पा रहा हूँ और कोई कर नहीं पा रहा, उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जैसे जिस इंसान के लिए लोगो बनना है, उसकी हाइट, उसका हाथ का साइज, उसकी उंगली का साइज, देन फिर गोल्डन रेशियो, देन फिर स्पेसिंग, फिर उसके एलिमेंट्स क्या है, फिर उसकी कुंडली क्या कहती है, तो इन सब चीजों को मिलाकर एक पर्टिकुलर अच्छा लोगो बनाया जाता है. सो काइंड ऑफ यस, बट नॉट एग्जैक्टली द अयादी. यू कैन टीच टॉपिक ऑफ डिवाइन वेरी इजली बिकॉज यू आर इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिवर्स. सो यूनिवर्स की एनर्जी विल फ्लो थ्रू यू. यू हैव ब्लेसिंग. दिस इज नॉट वर्ड्स. थैंक यू रोहिणी जी. मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका. I'll definitely try कि मैं पढ़ा पाऊँ. Is there any remedy for water pump in south? Water pump कोई problem नहीं create करता, अगर boring है वहाँ पर तो problem create करेगी. आठवां जो session अपना होगा उसमें सब चीजें, जितने भी objects हैं उनको element में character divide करके फिर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से वो आपको help करते हैं, problem देते हैं. What about gifted and non-usable clocks and watches? Fake दीजिए तुरंत. मतलब कोई भी काम ऐसी, कोई भी चीज ऐसी जो आपके काम की नहीं है, या किसी ने गिफ्ट दिया और आपको लगता है कि वो यूं ही पड़ी है, उसको नहीं रखना चाहिए. आपका माइंड की आदत बन जाती है क्लटर्स को अपने पास रखने की, अगर आप अनयूजफुल चीजों को अपने घर में रखते हो. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ये काम आएगा, जैसे अक्सर ईयरफोन्स हैं, चार्जर हैं, इनको लपेट के कहीं पर रख दिया, कोई पुरानी बुक्स हैं इनको रख दिया कि कभी काम आएगा. सो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, हम जुगाड़बाजी में लग जाते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. सो ट्राई कि आप ऐसा कुछ ना कीजिए, और अपनी आदत भी बना सकते हैं कि आप गिफ्ट ना लें. सर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सी एलिमेंट एज कलर शेप्स ऑफ मेटल? देयर इज नो ऑर्डर एज सच. जैसे ही आपको दिखे, सपोज मैं किसी के घर में गया, वहां पर प्योर ऑफ व्हाइट कलर हो रखा है, लेकिन छोटी सी शेप ऐसे सर्कुलर बनी हुई है, तो वो स्पेस एलिमेंट दिखाई देगा. लेकिन वहां पे पूरी वॉल ही ग्रे कलर की है तो भी वो स्पेस दिखाई देगा. कोई ऑर्डर नहीं है, बस करैक्टराइज करना आना चाहिए, डिवाइड करते आना चाहिए. इज अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स और सीवेज पाइप्स मैटर्स? लिख लीजिए इस टॉपिक को, और आज शायद प्रिंस लाइन पे नहीं है, जो भी लिख रहे हैं आप इस टॉपिक को लिख लीजिए पीछे टीम में. ये बिल्कुल इफेक्ट करता है, इसके कुछ जंक्शंस बनते हैं, उन पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि नीचे की पाइपिंग के जंक्शंस वैसे ना बने. टॉपिक्स बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारा है, पर इसको हम कैसे बताएंगे, कोशिश करते हैं. डन, ये टॉपिक मैं ध्यान में रखूंगा, मैं पूरी कोशिश है कि मैं बताऊं. पंकज जी, एस्ट्रो और कुंडली के बारे में भी थोड़ा गाइडेंस करें. कैसे करें? मतलब एस्ट्रो और कुंडली जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे को बहुत थोड़ी सी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की. लोगों को बहुत नॉलेज होती है, बहुत टाइम दिया है लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में. सो जितनी हमें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या किसी का वास्तु सही करने के लिए, या किसी की लाइफ देखने मात्र के लिए कि कैसा जीवन आगे होने वाला है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी मैं करवाऊंगा आगे, ताकि ग्लिम्स हो जाए. हम किसी की लाइफ को प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं उसको यूज करेंगे. हम यूज करेंगे, आपको प्रेडिक्शन आ जाएगी वो एक अलग बात है, हम उसको यूज करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, या सिर्फ एक आध दिशा के अंदर छोटे मोटे उपाय करने से कितनी जल्दी उसको रिजल्ट मिल सकते हैं. सो उसी के बारे में हम उसमें बात करेंगे. इफ वी हैव टू पेस्ट बिग बिल्डिंग्स फोटो इन नॉर्थ वेस्ट फॉर लीगल इश्यूज एंड नॉर्थ वेस्ट इज कमिंग एट कॉर्नर, वेयर टू पेस्ट अ फोटो? बड़ी बिल्डिंग की फोटो नॉर्थ वेस्ट में पेस्ट करने से लीगल इश्यूज सॉल्व होते हैं? नहीं, बड़ी बिल्डिंग्स की फोटो नॉर्थ वेस्ट में अच्छी होती है, ओवरऑल सपोर्ट का काम करती है, बट लीगल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अशोका पिलर या हिंदुस्तान का झंडा, या हमारी एक रेमेडी है वो बनते बनते रह गई, कुछ कुछ इश्यूज आ गए, एक फ्लैग की रेमेडी मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द वो दे दूंगा, उसको रखने से आपके लीगल इश्यूज बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे.
नॉर्थ ईस्ट में सीलन का क्या इफेक्ट होगा? नॉर्थ ईस्ट में सीलन का इफेक्ट होगा, आईज बहुत वीक हो जाएंगी, दिमाग में भी कचरा भरा रहेगा हमेशा, अननेसेसरी थॉट्स रहेंगी बहुत ज्यादा, बीमारियां हो सकती हैं दिमाग से रिलेटेड, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, आंखों के अंदर जलन होना, आंखों के अंदर खुजली होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इफ पॉसिबल प्लीज रिपीट शेप मेटल एक्सेट्रा ऑफ एवरी एलिमेंट एंड ऑल्सो शेयर द कलर इन डायरेक्शन सो दैट एट वन ग्लैंस वी कैन मेमोराइज इन ऑर्डर टू चेक इन ऑल डायरेक्शन। विल ट्राई सर इज अंडरग्राउंड वॉटर। चलो आगे चलो आगे चलो सर। ड्राफ्टमैन का नंबर, ड्राफ्टमैन का नंबर, टीम में से कोई ड्राफ्टमैन का नंबर जो भी थे हमारे उनके, द ड्राफ्टमैन कंपनी आई थिंक, उनका नंबर शेयर कर देंगे। Does the vastu effect of our flat starts coming when we book the flat but not residing in it or when we actually started residing? In general, yes, जब आप उस फ्लैट के अंदर रहना स्टार्ट करते हो, आज थोड़ा लंबा ले लें सेशन, 6:30-6:30 तक चलेगा, कोई गैप लोगों को, ताकि मैं आराम से डाउट क्लियर कर दूं, आधा पौना घंटा ज्यादा ले लें, ऐसे 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 करोगे ना तो समझ में आएगा ऐसे। और थोड़ा कैमरे के सामने लाके ऐसे, कुछ लोग ऐसे नीचे कर लेते हैं दिखता नहीं है, सो ऐसे लाके, सो हम थोड़ा सा लंबा, अच्छा नहीं मतलब कुछ लोग मना कर रहे हैं, नहीं ले लंबा, ओके डन डन डन, तो ठीक है। अगर सेशन नहीं लंबा लेना तो कोई गैप नहीं है, हम लोग डाउट्स को लास्ट में रख लेंगे, जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, मैं पहले आज का सेशन कंप्लीट करवा लेता हूँ, आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, परफेक्ट डन सर। नॉर्थ बाद में पढ़े जाएंगे मैसेजेस, परफेक्ट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, मजेदार है, आप सभी को अगले हफ्ते बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए पीडीएफ में आप लोगों को कुछ मेरे रियल टाइम नक्शे आप लोगों को पार्क होंगे और वो लोगों की वो उन चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। सो सबसे पहला स्टेप आज का क्या है, एक बार वीडियो सिर्फ लगा के छोड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सभी लोगों को नॉर्थ, बहुत सारे लोगों का है ना एक माइंडसेट है कि हमें नॉर्थ की तरफ हमेशा फोकस करके रखना है, नॉर्थ की तरफ हमेशा फोकस करके नहीं रखना है, आपको डिग्रीज देखनी आनी चाहिए। डिग्रीज कैसे देखी जाती हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैं सबसे पहले किसी घर के पास गया तो एक आदत है, एक हैबिट है, हालांकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये डिग्री लेना या मैप बनाना या सेंटर मार्क करना ये सब हमारा काम अब नहीं रहा है, क्योंकि 1200-1500 रुपए में एक फ्लैट का बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं वो कर देते हैं, तो हमें सिर्फ आना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हम ले रहे हैं, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आज की डेट में मैं बात करूं तो मैं इसको पिछले कम से कम 3 सालों से खुद नहीं कर रहा हूं। सो कैसे किया जाता है, आपने अपने हाथ में फोन लिया और उस फोन के अंदर कंपास इस तरीके की एप्लीकेशन होती है, इसको डाउनलोड कर लिया। बेस्ट है पानी जी, बेस्ट है जब आप इसको आईफोन का कंपास यूज करोगे, इट इज बेस्ट, कोई और कंपास इसके मुकाबले का नहीं है, स्पेशली एंड्रॉइड का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आईफोन का कंपास आपने लिया, आप उस घर के सामने, सपोज मैं आपको फेस कर रहा हूं, अभी मैं घर के पास गया तो ये जो गेट है मैंने इसके पास जाकर अपने हाथ में यूं पकड़ के एकदम रिलैक्स मोड पे, मेरी बॉडी स्टिफ ना रहे और 90 डिग्री के एंगल पर, ये जो हाथ है ये 90 डिग्री बन जाए और एक वॉल के पैरेलल हो, जैसे ये वाली जो वॉल है इसके बिल्कुल पैरेलल हो, आपने हाथ को इसको कंपास को अपने हाथ में ले लिया। क्या आप सभी को ये स्टेप क्लियर हुआ? मैं दोबारा से कर देता हूं, आपने कंपास एप्लीकेशन को खोला, इस कंपास एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपने फोन को अपने हाथ पर यूं रख लिया, रखने के बाद में जिस तरफ भी गेट ओपन होता है घर का, जैसे अभी मैं घर के अंदर स्टेप इन किया नहीं हूं, बाहर हूं और ये गेट है मेरे सामने, मैंने हाथ पर इसको रख लिया, जब मैंने इसको हाथ पर रखा तो इसमें कुछ लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज अभी एज ऑफ नाउ मुझे 212, 213 या 214 ये दिख रहा है, तो जो भी लिखा हुआ दिखेगा इसका नो वरीज, जैसे ये है
ये जो डिग्रीज लिखी भी आ रही हैं, मुझे ये नोट कर लेनी है अपने पास अलग से किसी पेन या पेपर पे। हमारा कंपास का काम इतना सा ही होता है जी। अब इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये एक ड्राफ्टमैन है, ये किसी के घर में आए, क्लिक कीजिए, एक बार पोज कीजिए। अब ये जो गेट है, इस गेट पे इनका फेस जो है इस गेट की तरफ है, जब इस घर के अंदर ये एंटर हो रहे हैं, प्ले कीजिए, और आप देखेंगे कि यहां पर पोज कीजिए, ये जो डिग्रीज आ रही है 201, हालांकि जो फोन हमने यूज किया है ये आईफोन नहीं है, आईफोन में यहां पर डिग्रीज लिखी हुई आएंगी नीचे, आपको वो डिग्रीज लेनी है। और ये जो पकड़ने का तरीका है ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, प्लेन हाथ पर ही आपको इस तरीके से फोन को रखना होगा। आगे पोज कीजिए। सेम जैसे ही आप घर के अंदर गए, आपको अंदर जाने के बाद फिर से एक बार डिग्रीज लेनी है, सेम फेसिंग में ही। आप फेसिंग चेंज नहीं करेंगे, जैसी आपने फेसिंग चेंज करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डन, आगे परफेक्ट। अगली वीडियो इस बात से मतलब मेरा क्या था, ये एक घर है, इस घर के अंदर ये गेट है, इस गेट से मैंने एंटर किया, एक बार डिग्री मैंने यहां पर ली, फेसिंग मेरी यहां पर ही रही, मैंने स्टेप इन किया, एक बार डिग्री मैंने यहां पर ली सेकंड टाइम। आपको हमेशा फेसिंग सेम रखनी है, चाहे आप खड़े कहीं पर भी हो, आप यहां पर भी आकर ले सकते हो डिग्री, यहां पर भी ले सकते हो, और इनिशियली मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां 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 हर जगह पर डिग्रीज लीजिए, लेकिन फेसिंग हमेशा स्ट्रेट रखिए या गेट की तरफ जो आपका, इसको थंब रूल बना लीजिए, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, जैसे ही आपने गेट की तरफ से एंटर किया तो आपने डिग्रीज को ले लिया। अभी कितनी डिग्रीज आई, 214 डिग्रीज हमारी निकल के आई, जो अभी ड्राफ्टमैन ले रहे थे वो 214 आई। उसके बाद में हमने क्या किया, हम उसी बिल्डिंग की, जो भी मेरी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की टेरिस पर चले गए। टेरिस पर जाने के बाद में अगेन, अगर मेरे घर का गेट यहां था तो मैं छत पे जाने के बाद भी कहीं पर भी खड़ा होकर एक साफ सुथरी जगह जहां पर हाई टेंशन वायर और इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड ना हो, वहां पर खड़े होने के बाद सेम फेसिंग में दोबारा डिग्री लूंगा। ये देखिए, अब इनकी फेसिंग वही है, उसी तरफ है जिस तरफ हमारी फेसिंग नीचे टायर वहां पर थी जब वो घर के अंदर एंटर कर रहे थे। पोज कीजिए जी। अब आप देखेंगे इस समय पर जो हम कंपास यूज कर रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल कंपास है, एज ऑफ नाउ आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत अब पड़ती नहीं है, क्योंकि आईफोन का कंपास भी सेम डिग्रीज ही प्रोवाइड करता है। अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर डिग्रीज भी 210 इस रेड के नीचे अगर आएंगी तो 214, 210, 11, 12, 13, 14 के अप्रोक्सीमेटली इनकी डिग्रीज आ रही हैं, 214। इनकी फेसिंग सेम है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, फेसिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अगर ये फेस इस तरफ करते तो इसमें 90 प्लस हो जाता, फिर ये गड़बड़ हो जाती, इसलिए आपको हमेशा फेसिंग सेम रखनी है। कंपस आप आईफोन का यूज कीजिए, ऐसे कंपसेस भी आप यूज कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आईफोन का बहुत अच्छे से काम करता है। और हमारे पास गूगल अर्थ प्रो भी है, गूगल अर्थ नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वहां से भी हम डिग्रीज ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, मैं आगे वाले आने वाले सेशंस में उस बात को कवर करूंगा। आगे, अभी छत पे खड़े होकर डिग्रीज ले रहे हैं, सेम डिग्रीज आई। डन, आगे मैप्स। क्या डिग्री सबको क्लियर हुई, डिग्री कैसे लेते हैं, सबको समझ में आया? परफेक्ट परफेक्ट। कोई ऐसा है जिसको डिग्री लेना अभी नहीं आया?
नहीं, घर के सेंटर से भी ले सकते हो डिग्रीज। मैं एक बार दोबारा इस बात को क्लियर करूं, ये मेरा घर है, ये मेरा गेट है। हमने एक बार डिग्री यहां पर ली, एक बार डिग्री यहां पर ली, एक बार डिग्रीज यहां पर ली, एक बार डिग्री यहां ले ली, एक बार डिग्री यहां ले ली, कहीं पर भी ले सकते हो डिग्रीज को, पर फेसिंग आपकी हमेशा सेम रहनी चाहिए। सभी डिग्रीज की फेसिंग हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर आप इस तरफ फेस कर रहे हो तो इस तरफ, अगर इस तरफ कर रहे हो तो यहां। पर मैंने इसका एक थंब रूल बनाया कि आप जब भी घर के अंदर एंटर करते हो उसको थंब रूल बना लीजिए, डिग्रीज वहीं से एंटर करते टाइम लेनी है, चाहे आप उस घर के किसी भी कोने में हो, फेसिंग हमेशा सेम रखिए। और उस डिग्रीज को, जैसे मेरे पास ये पेपर है, पेन है, और ये मेरा प्लान है जो भी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैंने इस तरफ ऐसे एक एरो बनाया, 214 डिग्री लिख लिया। ये थंब रूल बना लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वायर है। अगर मैं बोलता हूं, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो लोग फेसिंग हाँ नॉर्थ की तरफ करते हैं, कुछ करते हैं, वो घर पे जाने के बाद भूल जाते हैं कि वो उन्होंने फेसिंग किस तरफ की थी, इसलिए ये वाला रूल बना कि आप हमेशा फेसिंग इस तरफ रखेंगे। और मेरी एक आदत है, नोट्स में या व्हाट्सएप पे जब मैं काम किया करता था तो वो डिग्री जिसकी भी क्लाइंट के यहां पर गया, वहां पर जाने के बाद में मैंने अपने व्हाट्सएप पर उस क्लाइंट का नाम लिख के मैसेज कर दी, तो मुझे बाय डिफॉल्ट याद है कि मैंने जब भी डिग्री ली ऑफ डिग्री। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, रोल ये है डिग्रीज का, जब आप डायरेक्शंस मार्क करोगे, हालांकि आपको आज मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, डायरेक्शंस मार्क करना हम सबका काम नहीं है, एक ड्राफ्टमैन का काम है, तो आपको आना चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्ट आपके किसी लाइफ में काम नहीं आएगा। वास्तु करने के लिए ड्राफ्टमैन आज बहुत मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत सस्ता सस्ता काम करते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अब आ रही है वॉइस मेरी? ओके, सो बीच में शायद बैटरी डाउन हुई थी, उसके कारण ऐसा हुआ होगा। सो आप सभी लोगों को डिग्रीज क्लियर हुई कि डिग्री किस तरीके से लेते हैं, उसका करना क्या है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया कि डिग्री लेते कैसे हैं? परफेक्ट परफेक्ट, आगे दिखाएंगे मैप्स। अब किसी ड्राफ्टमैन ने या टू द स्केल प्लान आप लोग खुद भी बना सकते हैं, फुट बाय फुट, इंच बाय इंच नाप के, ऑटोकैड में ये वाला मैप बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं। आप लोगों की हमेशा कोशिश ये रहे किसी प्रोफेशनल से मैप्स को बनवाएं। अगर नहीं भी बनवाया, आपके पास ये मैप आया, इस मैप में आप ये देखेंगे कि ये एंट्रेंस है, जहां से उस ड्राफ्टमैन ने डिग्री ली थी, मतलब इस तरफ फेस करके डिग्री ली थी और वहां पर आया था 214 डिग्री। ये आया था जब मेरा ड्राफ्टमैन जो है वो यहां इस लोकेशन पे खड़ा होकर यहां फेस कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, वो यूं स्टेयर्स चढ़ के आया और हमारे घर का गेट जो है वो यहां था, तो उसने यहां से डिग्रीज ली, उसके बाद में छत पर जाकर फिर इस तरफ फेस करके डिग्री ली। सो आपको हमेशा फेसिंग का ध्यान रखना है, फेसिंग में डिग्री आई 214, आपने इस प्लान पर लिख के छोड़ दिया और फिर आगे बढ़े। अब आप घर पे आ चुके हैं, अब आप उस प्लान पर काम करने बैठे हैं आगे। उसके बाद में हमने इसका एक सेंटर मार्क किया। अभी भूल जाएं कि आप लोगों के जो सेंटर्स हैं वो इरेगुलर हैं या फिर ड्यूप्लेक्स का घर है या एल शेप है, हम उस पे दोबारा काम करेंगे। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को सेंटर मार्क करना सिखाया था, ताकि कुछ कंफ्यूजन्स ना हो। अब सेंटर कैसे मार्क किया, हमने इसके 4 कॉर्नर्स में एक वॉल तरीके की बनाई और फिर हमने इन कॉर्नर्स को मिलाया। ये हमारा एक सेंटर निकल के आ गया।
सेंटर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी डिग्रीज हमने ली थी उसको हम इन सेंटर के सहारे से ही लगाएंगे। आपने जैसे ही सेंटर निकाला, सेंटर निकालने के बाद में आप अगला स्टेप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश कीजिए जो सेंटर आप निकालते हैं वो एक पेंसिल से निकालिए, कभी भी पेन का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि जैसे ही सेंटर आ जाएगा उसके बाद इन लाइनों का आपके पास कोई योग नहीं रहेगा, कोई हेल्प नहीं रहेगी, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, उसके बाद में मेरे पास ये सेंटर आ गया, आप लोग देख रहे होंगे मैंने सेंटर को मार्क करके छोड़ा। फिर हम क्या करते हैं, जिस भी तरफ हमारी फेसिंग थी, मेरी फेसिंग अगर इस तरफ थी तो मैंने इस सेंटर से उसी फेसिंग पर एक स्ट्रेट लाइन यूं लगा दी। दोबारा से बताता हूं, अगर मेरी फेसिंग डिग्री की ये थी 214 ये थी, तो मैंने जो सेंटर मेरा निकला था वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ यूं कर दी। आगे ये आप देख रहे हैं 214 डिग्री मैंने लिख कर रखा हुआ है कि 214 डिग्री थी और मैंने यहां पर ये लाइन को ड्रॉ किया। आगे ये होता है हमारा शक्ति चक्रा। ये शक्ति चक्रा की फाइल आप सभी लोगों को आज मिल जाएगी। आप इस शक्ति चक्रा की फाइल को ट्रांसपेरेंट पेपर पे प्रिंट आउट ले लेंगे। जिन लोगों को टेक्निकली आता है, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे ट्रांसपेरेंट पेपर पर किसी भी हेल्प से। आपके पास एक वीक है काम करने के लिए, कल जाइएगा, जाकर प्रिंट आउट लीजिएगा, ऐसे 5-7 प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपके लाइफ लॉन्ग आगे काम आए। अब आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग डिग्रीज लिखी हुई हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सारी 360 डिग्रियां यहां पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, अब इस वापस पीछे आएंगे, इस शक्ति चक्रा का एक सेंटर है। आगे, उस सेंटर को मैंने अपने घर का सेंटर जो निकाला था वहां पर अलाइन कर दिया। मैंने ट्रांसपेरेंट पेपर पे शक्ति चक्रा लिया, अपना मैप नीचे रखा, वहां पर मैंने सेंटर मार्क किया हुआ है, उस सेंटर मार्किंग वाले पर मैंने शक्ति चक्रा का सेंटर को अलाइन कर दिया। जब मैंने उसको अलाइन किया तो यहां पर जो मैंने लाइन बना रखी थी स्ट्रेट लाइन 214 डिग्री वाली, आप सब लोगों को याद होगा, जो मैंने लाइन बना रखी थी उस लाइन पर मैंने शक्ति चक्रा का 214, ये देख रहे हैं 210 है, 11 ये 210 है, 11, 12, 13 एंड 14, इस 14 पे मैंने इस लाइन के साथ में शक्ति चक्रा को अलाइन कर दिया। जब आप इसको अलाइन कर दोगे, जब भी आप इसको अलाइन कर दोगे उस वाली लाइन से जो आपने ड्रॉ करी थी, तो इस घर की सारी जो डायरेक्शंस हैं वो आपके सामने आपके मैप के ऊपर लगकर एज इट इज आ जाएंगी। आपको उसके बाद में कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सारी डायरेक्शंस एज इट इज मार्क करी हुई मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर मैप पे। उसके बाद में आपको चीजों को चेक करना होगा, क्या करना होगा कि टॉयलेट कहां पर है, साउथ वेस्ट में है, उसके बाद टॉयलेट कहां पर है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बाद में एंट्रेंस कहां पर है, ये N6 की एंट्रेंस है, उसके बाद में किचन कहां पर है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। इस तरीके से अलग अलग चीजों को आपने मार्क कर लेना होगा या किसी डायरी में लिख लेना होगा। आपने दोनों को अलाइन किया, अलाइन करने के बाद में एक अलग डायरी बनाई, उसमें सबसे पहले एक्टिविटी, सबसे पहले हम लिखते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या होती है, एंट्रेंस क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, उसका ईस्ट से, ईस्ट साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से, साउथ साउथ ईस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। एंट्रेंस होती है जो आपने नंबर यहां पर लिखे हुए हैं हमारे। अब अगर मैं इस घर की बात करूं तो एंट्रेंस है N6। इसका क्या मतलब है, भूल जाएं, आपने नोटबुक बनाई वहां पर साइड में लिख दिया एंट्रेंस N6। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या होती हैं, टॉयलेट कहां कहां पर है, साउथ वेस्ट,
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दो ही हैं और ईस्ट, ये स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले एंट्रेंस को लिख लिया, टॉयलेट्स को लिख लिया, उसके बाद में हम आए किचन पर। किचन कहां पर है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ये लिख लिया। उसके बाद में हमने बेडरूम्स लिखने स्टार्ट किए, जिसका भी बेडरूम है, लेट्स से कि ये पेरेंट्स का बेडरूम है, तो आपने बेडरूम में लिखा पेरेंट्स बेडरूम आपने लिखा नंबर नंबर वन पेरेंट्स बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट। कहां से पता लगा? ये जो सेंटर है यहां से लेकर ये जो ट्राइंगल बन के आ रहा है ये पूरा, ये ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में जहां पर सिर आ रहा है वो साउथ ईस्ट है, तो मैंने इसको कर दिया साउथ ईस्ट। फिर उसके बाद में दूसरा रूम, लेट से कि ये बड़े लड़के का रूम है, तो आपने लिख दिया एल्डर ब्रदर साउथ। इस तरीके से सारे घर की एक्टिविटीज को मैप कर लिया। मैं सारे प्रोसेस को एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, लिखिएगा मत। पहली स्लाइड पे आएंगे आफ्टर डिग्रीज। हमने सबसे पहले नोट किया जिस भी घर में हम गए हैं उसकी डिग्रीज क्या है, इरिस्पेक्टिव उसका नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है, ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है, हमने डिग्रीज को नोट कर लिया। और हमने घर का एक सेंटर ऑलरेडी पेपर पर निकाल के रखा हुआ था, उस सेंटर से हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। लाइन को ड्रॉ करने के बाद में मैंने शक्ति चक्रा ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है, प्रिंट आउट लेकर रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट पेपर पे, मैंने उसको ओवरले कर दिया किस पर, मेरे मैप पर, मैप के सेंटर से शक्ति चक्रा के सेंटर को मिला दिया। आगे करेंगे। जब मैंने मैप के सेंटर से शक्ति चक्रा के सेंटर को मिलाया तो ये दोनों एक दूसरे से अलाइन हो गए, और ये जो लाइन मैंने बनाई थी, ये सेंटर से जो लाइन मैंने बनाई थी, इस लाइन पर मैंने शक्ति चक्र वाली डिग्री को अलाइन कर दिया। आप इस सारे प्रोसेस को याद रखिएगा, इस सेंटर से मैंने इस लाइन को अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद में ये शक्ति चक्र और पेपर ऊपर नीचे होने के बाद में आपके पास सारी दिशाएं और एंट्रेंसेस इसमें मार्क हो गई और आपको सामने आ गया। ये जो नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं इनका मतलब सिर्फ एंट्रेंस से है और इनका कोई रेलेवेंस नहीं है एज ऑफ नाउ टिल देवता कोर्स। सो इनका सिर्फ मतलब एंट्रेंस से है, आपने इसको बोला। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि घर के अंदर एंट्रेंस कौन सी है, एंट्रेंस है N6। उसके दूसरा स्टेप एक्टिविटीज, जैसे कि टॉयलेट कहां कहां पर है वो आपने लिख लिया। ऑडियो थी ही नहीं, मैं सिर्फ फालतू में लिपसिंग कर रहा था। सो डन। आप लोगों को समझ में आया होगा अभी कैसे डिग्रीज को लगाना है? आप लोगों को समझ में आया? लोग छुट्टी पे चले गए हैं बीच में, कुछ लोग, उनको लगा होगा एज यूजुअल 5-7 मिनट के बाद आएंगे अब, ना जी। डिग्रीज मृणालिनी जी, आपको समझ में आ रहा है सब? ओके परफेक्ट। आप कहां से हैं मृणालिनी जी? आप टाइप करेंगे, आप कहां से हैं? लाजपत नगर दिल्ली, लाजपत नगर दिल्ली से हैं।
तो आई थिंक सविता जी लाइन पे होंगे ना। हमारे यहाँ पर आज जहां पर हमने लगा रखा है स्टूडियो, वहां पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग कॉपअप करेंगे और बढ़ते रहेंगे। सविता जी, आई थिंक आप लाइन पर हो, आपके घर के पास में है, ट्राई टू गेट इन टच विद हर और उनको सिखा के आइए, कोशिश कीजिए। अगर आपको इस वीक में कभी टाइम मिलता है, आप जाएं उनको प्लीज समझा के। सविता जी हमारी सहयोगी हैं, दिल्ली से, लाजपत नगर के पास में ही है उनका, तो वो शायद अगर जा पाए तो आप जाइए और उनको समझा के आइए प्लीज, अगर कुछ गैप्स ना हो तो। आप डन। सो हम लोग रिपीट कर रहे थे, मैं आप लोगों को इन जनरल दोबारा बताता हूं, इनमें था क्या। सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मल किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें प्रिंटआउट चाहिए होंगे, प्रिंटआउट ट्रांसपेरेंट पेपर पे चाहिए होंगे, इसकी जो फाइल हमने बनाई है वो ट्रांसपेरेंट पेपर पर आराम से निकल जाएगी। आप उस फाइल को यूज कीजिए, अपने मैप के ऊपर ओवरले कीजिए, आपको हाथों से कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। 5 नक्शे मैं आप लोगों को दे दूंगा, उन 5 नक्शों पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, आप सभी लोगों को ड्राफ्टमैन की हेल्प लेनी चाहिए, और ड्राफ्टमैन की अगर आप हेल्प लोगे तो आप लोगों को बेनिफिट ज्यादा होगा। क्यों हम अपना दिमाग खुद नक्शे बनाने पर लगाएं, बट उसका फायदा क्या है? फायदा सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको खुद को आता है तो गलती से अगर ड्राफ्टमैन ने कोई गलती कर दी तो आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है मैंने जिन लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी हुई नक्शे बनाने की, डिग्री लेने की, उनको ड्राफ्टमैन कुछ भी दे देता है और फिर वो समझ नहीं पाते, किसी के घर को आराम से देख नहीं पाते, वो माइंड डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करवाता हूँ, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े दिन पहले की ही बात है, हमारे एक ड्राफ्टमैन है, उन्होंने गलती करी, किस तरफ से जाके उन्होंने डिग्री ले ली, और हम मेरे ही आसपास के कुछ लोग हैं जिन्होंने, उनको वो डिग्री समझ में ही नहीं आई कि कैसे ली, कहाँ पर लगाऊं, कैसे प्लस करूं, कैसे माइनस करूं। रीजन बीइंग कि उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं थी खुद से काम करने की। कल हम, मैं और मेरी टीम भी आपस में बात कर रहे थे, हमने पुराने नक्शे काम किया, जैसे मनीष जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका पूरा नक्शा पे काम सब मैंने अपने हाथ से किया था। ऐसे बहुत सारे नक्शे हैं, अगर आप हाथ से काम करते हो तो आपका माइंड डेवलप हो जाता है थोड़ा सा। रेस्ट आप सभी लोग, आप सभी लोगों की कोशिश ये हो कि नियर फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करें तो ड्राफ्टमैन को उसका पैसा दे, नक्शा बनवाएं, वो सारी टेक्निकल चीजें, ये नक्शा लगा कर देना, सब कुछ करके देगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एंट्रेंस कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमने नक्शे को इवैल्यूएट करने के बाद में हमने फर्स्ट स्टेप, ये जो लोग बीच बीच में खा रहे हैं ना, इनको देख के भूख लग रही है, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है आपका एंट्रेंस। इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपने एक नोटबुक में एंट्रेंस आपने लिख दिया, सेकंड आपने लिखा टॉयलेट, किचन, बेडरूम, एम्प्टी एलिमेंट, ऐसा एक स्ट्रक्चर आप अपने पास बना लीजिए। जैसे ही आपके पास नक्शा आता है, आपने एंट्रेंस के आगे, जैसे इस वाले नक्शे में N6 थी तो N6 लिख दिया, टॉयलेट्स के आगे साउथ, ईस्ट, जो भी आपकी डायरेक्शन है वो लिख दी, किचन यहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थी,
बेडरूम यहाँ पर अलग अलग थे, उसको हमने लिख दिया, और एंटी एलिमेंट्स कैसे देखते हैं मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो इस स्ट्रक्चर पर आपने उसको मैप करना स्टार्ट किया, और लास्ट में एक पॉइंट आपने लिखा ऑब्जेक्ट्स, लास्ट में आपने पॉइंट लिख लिया ऑब्जेक्ट्स। आप नक्शा खोलेंगे, राइट, हम इस घर की बात कर रहे थे, अब मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया। तो जोन या डायरेक्शन क्या होती है, अगर मैं ये जो पूरा निकल के आया है यहां तक, ये पूरा एक साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन हुई, फ्रॉम सेंटर यहां से ही स्टार्ट हो जाएगी ये पूरी डायरेक्शन, तो अगर आपके घर में यहां पर भी कुछ है तो भी वो साउथ साउथ ईस्ट में ही काउंट होगा, अगर वो यहां पर भी है तो भी वो साउथ साउथ ईस्ट में काउंट होगा, वो यहां है तो भी साउथ साउथ ईस्ट में काउंट होगा, वो यहां है तो भी साउथ साउथ ईस्ट में ही काउंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग सिर्फ समझ लेते हैं यही हमारी डायरेक्शन है, सेंटर से ही पूरी डायरेक्शन काउंट होती है। उसके बाद में किचन के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ जहां पर बर्नर है, पूरी किचन तो हमारी यहां है, इसका कोई रोल नहीं है, ये बर्नर है उसको आप किचन में काउंट करते हो। टॉयलेट सीट में जहां पर ये सीट लगी हुई है सिर्फ उसी को आप काउंट करते हो, पूरी जगह को काउंट नहीं किया जाता है, ना ही उसके सिम्टम्स मैच होते हैं। आई थिंक आपको ये स्टेप क्लियर होंगे। लास्ट वाले स्टेप पर एंटी एलिमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था, एक डिटेल्ड वाला मैप था वो लेके आएंगे पीछे। हाँ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लाइट पिंक कलर, कहां पर है, ईस्ट में, तो जब आपने लास्ट में एंटी एलिमेंट्स का पॉइंट बनाया वहां पर लिख दिया पिंक कलर इन ईस्ट। इस तरीके से जितने भी एंटी कलर है, जैसे यहां पर लिखा है ब्लू कलर टाइल ऑन वॉल्स, इस तरीके से आपने इन चीजों को लिख लिया, और एट लास्ट आपने लिखा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन कहीं पर पड़ी है, कहीं पर कोई मिक्सर ग्राइंडर पड़ा है, कहीं पर टीवी लगा हुआ है, लास्ट में आपने एक पेज उस चीज का बना लिया। खोलेंगे वहां पर जूम, क्या क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से किसी का नक्शा आपको बनाना पड़ गया या किसी ड्राफ्टमैन ने गलती कर दी तो आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो। नॉर्थ को मत देखिए, जाइए, जाकर आपने नक्शे को यूज किया, देखा, देखने के बाद में डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद में प्रिंटआउट आपके पास होगा, आपने उसको ओवरले किया और वहां पर चीजों को लिखना स्टार्ट कर दिया। जब आप लिख लोगे तो वो डायरी उस क्लाइंट के नाम से आपके पास परमानेंट बनी रह जाएगी कि उसके घर में यहाँ पर ये था उस वक्त और मैंने उसके ये उपाय दिए। जब आप लिख लोगे, लिखने के बाद में आप लोगों के साथ में क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम वो बोलता है आप उसको मैच कर पाओगे। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि सबसे पहले मैंने डायरेक्शन के बारे में क्यों बताया, कि डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्यों जरूरी हैं, एंटी एलिमेंट्स क्यों हैं, फिर मैंने टॉयलेट्स के बारे में क्यों बताया, फिर किचन और बेडरूम के बारे में क्यों बताया। अगर आज आप अपने नक्शे को मैप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे घर में प्रॉब्लम ये है, यहां पर टॉयलेट है, इसकी वजह से ये मेरा सिम्टम मैच होता है या वो मेरी प्रॉब्लम मैच होती है। इसका प्रोसेस क्या होगा, आपने सबसे पहले किसी भी क्लाइंट के पास आप गए,
एज ऑफ नाउ क्लाइंट्स के पास मत जाइए, पर आप में से बहुत सारे लोग अभी मानेंगे नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टार्ट भी कर दी है मैंने देखा फेसबुक पर या अलग अलग जगहों से। खैर सबकी अपनी इच्छा। प्रॉब्लम्स आपने लिखी जैसे जॉब नहीं है या मेरी एक हैबिचुअल आदत है कि मैं बातों को रिकॉर्ड करता हूं, तो अगर आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। उसके बाद में कनेक्शंस नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, ये आपने पॉइंटर्स बना लिए। और फिर आपके पास दूसरा पेज आपके पास है जिस पेज पे आपने एक एक बात बारीकी से लिख रखी है, टॉयलेट्स नॉट। इसी स्टेप पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि उसके पास जॉब क्यों नहीं है। आपने आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसके पास जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी टॉयलेट नॉर्थ में है। आप उसका एक ट्रीटमेंट दे देंगे, जो भी ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, और फिर आगे मूव करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एक पेज पे हमेशा प्रॉब्लम्स को लिखना है, दूसरे पेज पर आप लोगों के पास में ये लिखा हुआ होना चाहिए इसके घर में टॉयलेट यहाँ है, एंट्रेंस यहाँ है, किचन यहाँ है, बेडरूम यहाँ है, एंटी एलिमेंट यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब बहुत सारे लोगों की एक और आदत है जो आदत आप लोगों को हटा देनी है, मेरे घर में तो यहाँ पर ये है, उससे मेरी लाइफ में क्या होगा। ये क्वेश्चन या ये बात सही नहीं है। बात यह है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये है, उसका क्या होगा, वो आपको मैच करना होगा। अगर कोई चीज वैसे ही रखी हुई है, ऐसे फिनकी होके नहीं करना। बहुत सारे लोग करते हैं कि यार मैं तो ये चीज लेके आया, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। चीजें को परफेक्ट मत करो, लाइफ फिनकी हो जाएगी। और जितना कंटेंट मैं आगे देने वाला हूं सभी कोर्सेज में, हालत खराब हो जाएगी छोटी छोटी चीजों को मैच करने की, लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो चीजों को सिर्फ मैच कीजिए, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये है, उस स्टेटमेंट से अपनी चीजों को बेहतर बनाएं। तो अपनी लाइफ को जब आप एक एक महीने के पहलू में तोलेंगे तो आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट होगा कि मेरी लाइफ हर महीने कहां पर ट्रैवल कर रही है। दूसरी बात, आप सभी लोगों में से मैनिफेस्टेशन कौन कौन कर रहा है, जो मैंने आप लोगों को मैनिफेस्टेशन का सेशन करवाया था, कौन कौन उसमें था और कौन कौन उसको अटेंड अभी भी कर रहा है। वाटर वाली मैनिफेस्टेशन जो थी, और रात को रख के सोना है, यूज करना है, करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य च गोविंद सुप्रभातम कर वंदनम, कौन कौन कर रहा है इसको, बहुत कम लोग हैं। रीना जी हैं, सुनीता जी हैं, और कौन है जी यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्क्रीन दिखाइए। डू वी गेट चांस टू सी द मैनिफेस्टेशन क्लास अगेन? हाँ, आपके पास बिल्कुल मौका है। फेसबुक के ऊपर पूरा सेशन पड़ा है, आप जाएं, आप उसको अटेंड करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के ऊपर जिन लोगों ने 21 से 45 दिन अच्छी प्रैक्टिस की होगी उनके लिए एक स्पेशल क्लास हम अरेंज कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ और अब आगे कैसे बढ़ना है। सो उसका एक छोटा सा प्रोसेस था, रात को मेडिटेशन करना है, रात को सोते वक्त अफर्मेशंस करनी है, आपको पानी का ग्लास यूज करना है, उसको कैसे रखना है, फिर सुबह उठ के पीना है, ये सब चीजें थी। अगर जिन लोगों को नहीं पता, आप फेसबुक पर जाएं, आचार्य पंकित गोयल नाम से एक पेज है, उस पेज पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, मेरी दो चार अच्छी अच्छी फोटोज भी हैं, वीडियोज भी हैं, आप उनको जाकर देखेंगे तो आपको वो वाली वीडियो मिलेगी मैनिफेस्टेशन वाली, आप उसको सुनिएगा, उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। उसको साथ में करते रहिए ताकि ये जर्नी और अच्छी बनती रहे। सो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स एक पेज पर लिखी, और उसके बाद में एक पेज पर आप सभी लोगों ने बातों को, ये जो हमने मैचिंग की, इस मैचिंग को लिख लिया, और जहां पर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उस पे टिक कर लिया। और फिर हम जब ट्रीटमेंट सीखेंगे आप लोगों को उसके ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे। एक बार डाउट्स लें, आई थिंक आप लोगों को यहां तक का सब क्लियर होगा। देन दूसरा, आप सभी लोग अगर अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है, हम लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं, पिछले 5 साल से 7 साल से मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मैंने यहाँ से कोर्स किया है, पर अपनी भी लाइफ में प्रॉब्लम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट,
किसी का कोई बुराई वाली बात नहीं है, सबसे पहले अपनी लाइफ को काबू में लाइए, सबसे पहले अपने आत्मबल को बढ़ाइए, अपनी लाइफ को काबू में लाएंगे तो ही आप दूसरे का काम कर पाएंगे। और दुर्घटना से देर भली, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहूंगा, जो अभी तो कोर्स स्टार्ट ही किया है कि अपने मार्केटिंग स्टार्ट हो गई और लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, ये किसी की लाइफ में जब प्रॉब्लम आपकी वजह से आएगी ना तो आपको बहुत दुख होगा, मानिए इस बात को, और फिर पीछे मुड़ने का मौका नहीं देती लाइफ। सो गलती मत कर दीजिएगा, उम्मीद रखिए कि सब लोग मिलकर सही काम करें, लेट करें, मेरी टीम है साथ में, हम लोग भी देर कर सकते हैं आप लोगों को जवाब देने में, प्रेशर है थोड़ा सा, अभी ऑफिसेज में मिलकर हम लोग लगे हुए हैं, हम सब लोग आप लोगों से मिलने की एक अलग जगह बना रहे हैं जहां पर हम लोग रोज मिलकर भी काम करें, बट गलती मत कीजिए पैसों के लालच में। अगर गलती से किसी की लाइफ में कुछ गलत होता है या भला नहीं होता तो लाइफ पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं देगी, और कुछ लोग इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे कि किसी की लाइफ में बुरा आप लोगों की उनको बोलो कि म्यूट करेंगे। आप पीछे तरनजीत एंड पुनीत, आप अपने माइक्स को म्यूट पे डाल देंगे प्लीज। डन। सो कोशिश कीजिएगा ऐसी गलती ना कीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, ये कोर्स को फ्री में कराने का एकमात्र कारण यही है कि लोगों की लाइफ से गलतियां हट जाएं या जो वहम है वो दूर हो जाए कि हम ये करके ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस लगेगी, देखना आएगा, मैं साथ में हूं इस बात की गारंटी है, देर हो सकती है आप लोगों को जवाब देने में, टीम से गलतियां हो सकती हैं, कोई बात आप तक सही ना पहुंचे, इंटेंशंस गलत नहीं है, आप सभी लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से चलिए, प्रॉपर हेल्प लीजिए ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टमैन की, अपनी अपनी चीजों को कोशिश कीजिए अच्छे से करने की, ईमानदारी से करने की, तो पैसा भी आएगा, लाइफ भी अच्छी बनेगी, और लोगों को जोड़ते रहिए, लोग इम्पोर्टेंट हैं जर्नी में, जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे उतने ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, और मार्केट में एक भी इंसान अगर ऐसा हुआ जो आपसे खुश नहीं है तो दुख होता है और आप लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी। सो जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से सीखेंगे, क्लासेस की जहां तक बात है मैं लेता रहूंगा नियर फ्यूचर में, एक और बात, जब भी गवर्नमेंट अलाउ करती है ये कोरोना वाला जो भी हिसाब किताब है ये दूर होता है, एक प्रैक्टिकल कोर्स भी एब्सोल्युटली फ्री रखा जाएगा जो लाइव होगा और हम लोग वहां पर मिलकर भी काम करेंगे, बिल्कुल फ्री रखा जाएगा, कोई उसमें गैप नहीं है, पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द होगा, देखते हैं गवर्नमेंट कब अलाउ करती है, मेरा पूरा मन है कि हम लोग मिलकर काम करें, पर प्लीज जल्दी मत कीजिए। डन। गूगल अर्थ से हम जल्दी करेंगे। गायत्री जी का क्या क्वेश्चन है, कैन जेनेटिक डिसीज ऑल्सो बी क्योर्ड बाई यूजिंग रेमेडीज इन बैलेंसिंग जोन, बिकॉज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर नॉर्मल कॉमन इश्यूज पीपल सफरिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, क्या पूर्वजों से आया हुआ कोई बीमारी है वो आपकी सॉल्व हो सकती है, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, लेट्स से कि किसी को डायबिटीज तो हो गई लेकिन वो उसको तंग नहीं करती, ये किया जा सकता है। क्या कोई ऐसी बीमारी जो आप बचपन से अपने अंदर धारण करके पैदा हुए हो उसको दूर किया जा सकता है? आई थिंक नहीं किया जा सकता, या मैंने नहीं किया, बट यस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है या उस बीमारी ने उनकी लाइफ में असर छोड़ दिया, वो एग्जिस्ट करती है। आप सभी ने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, अपेंडिक्स एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, तो जब वो काम करना स्टार्ट कर देती है तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जो डॉक्टर्स हैं वो डांटिएगा नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज है अपेंडिक्स के बारे में। तो इस तरीके से कोई बीमारी जो आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो उस पे विजय प्राप्त करी जा सकती है, मतलब एग्जिस्ट करती है लेकिन आपको तंग नहीं करती। एंट्रेंस से डिग्री लेने से एंड थोड़ा आगे जाकर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे जाकर लेने या टेरिस से लेने से थोड़ा डिफरेंस होने से
होने से कौन सा डिग्री कंसीडर करना है, जो डिग्री मैक्सिमम बार आए, मैक्सिमम बार सेम आए उस डिग्री को कंसीडर करना। सर हैट्स ऑफ आपके लिए ऐसे, थैंक यू जी जी सर। इफ टॉयलेट एंड नॉर्थ ईस्ट सर, इफ टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट शुड बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट, नहीं अगर हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक मिनट। जैसे अगर आपका ये वॉशरूम, ये आपका घर है और यहां पर एक वॉशरूम है जिसमें सीट यहां पर लगी हुई है, सेंटर से आपने कैलकुलेट किया तो ये आपका आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, पर ये पूरा वॉशरूम जो आता है इसका एक कोना नॉर्थ ईस्ट में भी आता है, तो ये टॉयलेट सीट जो है ये नॉर्थ ईस्ट की कंसीडर नहीं होगी, ये एनएनई की ही कंसीडर होगी। सिर्फ और सिर्फ तभी ये टॉयलेट सीट एनएनई में मानी जाएगी, चाहे आपका पूरा वॉशरूम, ये पूरा वॉशरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, सिर्फ यहां सीट लगी हुई है जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, तो भी ये आपको नॉर्थ ईस्ट के इफेक्ट नहीं देगी, आपको ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के इफेक्ट देगी। इसको डिमोलिश करने की जरूरत नहीं होगी, इसकी रेमेडी हो जाएगी। सिर्फ एक केस, अगर आपकी सीट जो है एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, कीजिएगा भी मत जी। कंपनी नंबर ओके सर, सेशन ऑन वात-पित्त कफ बॉडी, वात-पित्त कफ बॉडी, सेशन ऑन वात-पित्त कफ बॉडी, वो दो चार तरीके जो हैं वो तरीकों से एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है, और मैं फ्रेंकली बताऊं मेरी उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ी बहुत है, बट मैंने एक तरीका ढूंढा उसका, न्यूमरोलॉजी मैं बहुत पहले से करता आया हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो न्यूमरोलॉजी में मैंने एक चीज निकाली है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका मेन प्रकृति क्या है वो पता लग जाएगी, तो मैं वहां पर उस बात को जरूर पढ़ाऊंगा। हाउ टू अप्लाई स्केल, मतलब सर हाउ टू अप्लाई स्केल नहीं पता लग रहा सर, इफ देयर इज अ पेंटर हाउस एंड सम पार्ट ऑफ इट यूज बाय टेनेंट, हाउ टू ड्रॉ मैप, परफेक्ट। पानी डन 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 ओके, सो इफ दिस इज माय हाउस, ये वाला पोर्शन टेनेंट्स का है, ये सारा पोर्शन मेरा है, तो हमें जितना पोर्शन मेरा है उसी को ही कंसीडर करना होता है हमारे वास्तु के लिए, और इसी के सेंटर पे काम करके यहां पर दिशाएं मार्क करके आपको काम करना होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, टेनेंट वाला पोर्शन आपको छोड़ देना होगा, उसको कंसीडर नहीं करना होगा। सर वी आर टेनेंट्स, हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन बिकॉज डोंट हैव मैप। नीरू जी मैप बनाना बहुत आसान है, आप कहां से हैं, अगर दिल्ली एनसीआर से हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बाहर से हैं तो भी आप लोगों को लोकल नक्शानवीज मिल जाते हैं आजकल, जो इवेल्युएट करते हैं आपके घर को, वो आकर आपका मैप 1000-1200-1500 रुपए में बना कर दे देंगे, तो इट्स वेरी इजी नाउ। यू आर माय इंस्पिरेशन, ओके थैंक यू यार, ये प्लीज एक्सप्लेन हम जोन को कट कैसे बोलते हैं, अभी आगे आएगा कट एंड एक्सटेंशन बहुत। नीरू जी नोएडा में अगर आप हो तो हार्डली 1500 रुपए का काम भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, हमारे सेशन में एक आए थे ड्राफ्टमैन कंपनी करके, उन्होंने क्लेम किया कि वो 1200-1500 में सभी चीजें मार्क करके देते हैं, आप बनवाइए ना उनसे, बहुत आसान है बनवाना। हाउ टू फाइंड डिग्री फॉर एन अंडर कंस्ट्रक्शन होम, वी ओनली हैव, व्हाट हैपन व्हेन टेनेंट्स लीव होम, विल रेमेडीज वर्क दैट वे। यस, अगर टेनेंट्स ने घर छोड़ दिया है और आप उसको यूज करना स्टार्ट कर गए हैं तो आपका सेंटर दोबारा पूरे घर का हो जाएगा, और अगर पूरा घर नहीं है तो मतलब पूरा घर आपके यूज में नहीं है तो वो सेंटर काम नहीं करेगा। सो आपको उतना ही पोर्शन देखना जितना आप यूज कर रहे हो, अगर अभी भी आपने मेंटली ये सोच रखा है कि ये वाला एरिया टेनेंट्स का है तो आपके काम नहीं आएगा। भाई ये तो मतलब
which entrance to choose if there is entrance. Okay, perfect. आगे बढ़ते हैं, course में आगे बढ़ते हैं. आप सभी के doubts, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, हम 5:30-5:30 बजे के बाद लेंगे. कुछ लोगों को थोड़ी जल्दी होगी जाने की, so that की वो चले जाए. यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं. हाँ, so, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, इस तरीके से एक फाइनल मैप हम लोगों के पास निकल कर आ जाता है, जिसमें सारी डिटेलिंग्स होती हैं और ये वाला शक्ति चक्रा मार्ग होता है, सो दैट कि आप एक ही व्यू में उसको देखें और बता दें. धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप सिर्फ नक्शे को देखेंगे और बताना स्टार्ट कर देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और टचवुड, भगवान ने चाहा तो हम सबकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप लोगों को नक्शे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी सेशन में होंगे जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप फोन पे बात कर रहे हैं और हम लोग ये बता देते हैं बड़े आराम से कि आपके घर में यहाँ पर ये चीज है, तो उससे आप सभी लोगों को रिलेट हो जाएगा. उस लेवल पर आने के लिए आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों माइंड बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. आपकी लॉजिकल पावर, जिसमें आप चीजों को फटाफट कैलकुलेट कर पाए, वो स्ट्रांग हो जाए. जैसे एक परफ्यूम, एक घड़ी, एक शीशा, जितनी भी चीजें हैं, ये किस तरीके से, किस एलिमेंट की हैं, कैसी प्रॉब्लम्स देती हैं और किस जोन में होने से किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है. इंट्यूशंस डेवलप करने के बाद में, या इंट्यूशन सभी की होती है, उन पर काबू पाने के बाद में आप सभी लोगों का इतना एडवांस हो जाता है माइंड, अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपनी डाइट को फॉलो करते रहें, तो आप बड़े आराम से इन चीजों को कर सकते हैं. पर कॉन्शियसली एक बार इस तरीके का मैप आपके पास में आता है और आप लोगों को प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट करते हैं. आगे डन, आगे ओके, एक स्टेप बैक करेंगे प्लीज. भूलिया, अब ये बहुत, एक बार दोबारा जूम पे लगा. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो दे दिया 50 लोगों का, लेकिन लोगों को अभी सर्च करना स्टार्ट कर दिया है या बताना स्टार्ट किया है कि लो आओ हम लोग मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं और आप लोगों का काम करना चाहते हैं. लोगों ने करना स्टार्ट किया, आप लोगों ने लोगों तक पहुंचने की स्टार्टिंग कर दी है, लोगों को पता लगने लग गया है कि आप लोग उनकी लाइफ में कुछ एड ऑन करने के लिए निकल पड़े हैं. तो डन, जितने भी सहयोगी हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो लोगों को जोड़ रहे हैं, उन सभी से इस वीक नहीं तो अगले वीक हम एक अलग से सेशन रख रहे हैं, जिसपे हम लोग मिलकर बात करेंगे किस तरीके से और लोगों तक पहुंचना है, उनकी हेल्प प्रोफेशनली कैसे करनी है, पर्सनली कैसे करनी है, मिलकर कैसे करनी है, उन लोगों को हमारी टीम की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगी, ये सब चीजें मैं उस सेशन के अंदर उन लोगों से बताऊंगा. और सहयोगी से हर हफ्ते, उम्मीद है हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार हम लोग सेशन करते रहेंगे ताकि हम लोगों से मिलते रहें. दूसरी बात, आई थिंक थर्ड बैच ऑफ बीवीसी कब आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा हमारा. सो एक डेढ़ महीने के अंदर हम थर्ड बैच ऑफ बीवीसी, सेकंड बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है कि स्टार्टिंग हो चुकी है. आप लोगों में से कोई हो जिनके कोई लोग आना चाहते हो, वो उसमें आ सकते हैं. प्लस क्या है थर्ड बैच में आने के और माइनस क्या है, प्लस ये है कि उन लोगों को नए टॉपिक्स मिलेंगे 7th और 8th सेशन में, और पहले वाली जितनी भी मैंने बातें बोली वो उनको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी. तो मैं पूरे 8 सेशन दोबारा लूं ऐसा नहीं करेंगे. हर बार हम लोग ये रिकॉर्डिंग्स दे देंगे और 2 से 3 सेशंस प्रैक्टिकल रखा करेंगे, नए टॉपिक्स पे बात किया करेंगे और डाउट्स पे बात किया करेंगे, और मिलकर ये डिसाइड करते हैं एक टाइम हम सब लोग, जिसपे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर एक डाउट सेशन टाइप का रखें, ताकि आप लोगों की जर्नी ब्रेक ना हो. हम 8 सेशन के बाद में बीच बीच में मिलते रहेंगे. सो जो मैं बोल रहा था, लोगों की लिस्ट को चैरिटी फॉर्म में भरते रहें, कॉल करते रहें, लोगों को बताते रहें, ताकि लोग जुड़ें. इस बात से कभी इनसिक्योर मत होइएगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपका पड़ोसी बन गया है, आपके साथ में आ चुका है या आपसे अच्छा काम कर रहा है. अगर आप काम करना चाहते हो तो लोग बहुत हैं. मैं जो भी जानता हूं वो मैं फ्री में ही बांट रहा हूं, और इस बात की कोई इनसिक्योरिटी आनी ही नहीं चाहिए. अगर एक बहुत अच्छी बात मैं हर बार बोलता होता हूँ, और एक ही बात, कुछ ही बातें हैं जो खुद को इंसान की अच्छी लगती हैं, कि अगर बीइंग वास्तु कंसल्टेंट मैं खुद ही इनसिक्योर हो गया या मेरी ही लाइफ में मैं डर गया, तो मैं लोगों की लाइफ में कैसे भला करूंगा. सो
विश्वास रखिए काम होगा, होता रहेगा और हम लोग करते रहेंगे। आगे डन। व्हाट डू यू मीन सर? किस बात का जी सर? पहले लगाना इनको। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला स्टेप है, ये जो हमने प्रिंट आउट लिया था, इसको आपने अभी तक एक प्लेन पेपर पे नक्शे का प्रिंट आउट लिया था। जो लोग खुद से कर रहे हैं, मैं अगेन बार बार बोलूं, ये सब टेक्निकल चीजें लोग करके देते हैं, मैं भी नहीं करता। इसके बाद में आपको एक ग्राफ पेपर पर, जो ये ग्राफ पेपर हमारा बॉक्सेस वाला आता है, उस पर आपको अपने इस पेपर, इस मैप का प्रिंट आउट ले लेना है, जिसमें ये शक्ति चक्र नहीं होगा, सिर्फ ये बॉक्सेस वाला मैप होगा। आपने क्या किया, आपने एक प्रिंट आउट ले लिया, चाहे शक्ति चक्र के साथ में लेकर प्रिंट आउट ले लें, चाहे अलग से ले लें, तो आपके सामने ऐसे बॉक्सेस पर आपका घर बना हुआ आ जाएगा। थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ पेपर पर प्रिंट आउट हम लोगों ने ले रखा है। आगे अब आप देखेंगे, हमने इस ग्राफ पेपर के बॉक्सेस को काउंट कर रखा है। ये जितने भी बॉक्सेस हैं आप देखेंगे हमने ग्रे कर रखे हैं, इनको हमने काउंट कर रखा है। काउंट कैसे करते हैं, बहुत इजी है। ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, जो हाफ हाफ करके आए उनको आपने दो मान लिया, 1/4 को प्लस कर लिया। इस तरीके से आपको एक टेंटेटिव बॉक्सेस का काउंट मिल जाएगा। बहुत फिनिकी नहीं होना है, थोड़ा बहुत छोड़ा जा सकता है, जैसे मैंने इसको 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 छोड़ रखा है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टेंटेटिवली जितना आपका घर का एरिया है, जैसे मेरे घर की बाउंड्री ये है और ये मेरा, ये मेरे घर की बाउंड्री है और ये मेरे घर का जोन है, तो ईस्ट के अंदर कितने बॉक्सेस हैं, ये जहां तक मेरी लाइनें जा रही हैं और जहां तक मेरी बाउंड्री है उसमें कितने बॉक्सेस हैं, लिखे हुए आ जाएंगे। आगे करेंगे, आप ये देखेंगे ईस्ट में 24 बॉक्सेस हैं एंड साउथ में 22, तो मैंने लिख दिया यहां पर 24 बॉक्सेस और साउथ में 22 बॉक्सेस। यहां तक सबको क्लियर हुआ? जूम लगाएंगे फटाफट। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? एक बार और डन, वापस बैक करेंगे, दोबारा से करते हैं। हमने जो मेरा मैप था उस मैप को एक ग्राफ पेपर पर प्रिंट आउट ले लिया, जब हमने वो सारा जोन्स वाला सारा तामझाम क्लियर कर लिया। उसके बाद का आखिरी स्टेप है ये, जब हमने ये सारे स्टेप्स बना रखे हैं, लास्ट में इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। जब हम लोग किया करते थे हर चीज मैनुअल थी, आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर दे दूंगा जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ बॉक्सेस डालने हैं, आपका बार ग्राफ बन के आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आपने अपने मैप को एक ग्राफ पेपर पर प्रिंट आउट लिया, उसके ऊपर शक्ति चक्र रखा, जो भी अलाइनमेंट थी हमारी उसको फिक्स किया, सेंटर से सेंटर मिलाया, 124 डिग्रीज को हमने अलाइन किया। करने के बाद में मैंने देखा सभी जोन्स, हर जोन के अंदर ये बॉक्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो मैंने ये देखा ईस्ट के अंदर 24 बॉक्सेस निकले, साउथ के अंदर 22 बॉक्सेस निकले। इस बात का मतलब क्या है, जो लोग इंजीनियर हैं या जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को ऑटोकैड आता है, वो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। टू मेक इट इजी हमने इसको ग्राफ पेपर पे बनाया, बनाने के बाद में हमने इसके बॉक्सेस को काउंट कर लिया। जूम, क्लियर हुआ? कोई और मेथड है, आप किसी ड्राफ्टमैन की सहायता ले सकते हैं, वो बना के दे देते हैं आजकल। अगर आपके पास मैप भी है तो आप उनको कॉल करके ऑनलाइन सर्विसेज लेके अपने बार चार्ट बना सकते हैं, बट ये बहुत इजी है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा आपने ग्राफ पेपर के ऊपर
प्रिंटआउट लिया, प्रिंटआउट लेने के बाद आपको सिर्फ बॉक्सेस ही तो काउंट करने हैं, मतलब बॉक्सेस काउंट करना आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होगा, मतलब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मतलब मैं तो बहुत ही बुरा था पढ़ाई में. सो व्हाट इज द यूज ऑफ बॉक्सेस, अभी आगे आएगा, मतलब अभी काउंट कीजिए, अभी आगे आएगा कि कैसे उसको यूज करना है. सो आई थिंक अभी तक के लिए सबको क्लियर है. डन, परफेक्ट. सीमा जैन जी आपको आ रहा है, क्लियर है, बैक कीजिएगा एक बार. सीमा जैन जी आ रहा है आपको, ऐसे ऐसे आ रहा है और ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है, आ रहा है, परफेक्ट, डन. उमा जी आ रहा है आपको समझ में, बहुत बढ़िया. हेमंग जी आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया. डीसी जैन साहब आपको आ रहा है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट. बैंकर मनीष बैंकर, क्या करते हैं जी आप बैंक में, मतलब यहाँ पर लिख के ले सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर तो वो बता पाएंगे, मतलब आप बैंक में तो आप पढ़े लिखे लोग भी बड़े आराम से कर पाएंगे इस चीज को, अगर मैं कर पाया तो. सो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, एक मैप को एक ग्राफ पेपर पर प्रिंट आउट ले लेना है. आप एक ग्राफ पेपर पर प्रिंट आउट फोटोकॉपी वाले सब निकाल कर दे देते हैं, नहीं देते तो आप उन्हीं से ग्राफ पेपर को लीजिए और उस पर अपने मैप का प्रिंट आउट ले लीजिए. उसके ऊपर आपने शक्ति चक्र को रखा जैसे मैंने आपको पहला वाला प्रोसेस बताया, और हर दिशा के बॉक्सेस को काउंट कर लिया. आई थिंक यहां तक सबका क्लियर होगा, क्लियर है ना. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए. आगे प्लीज एंटी एलिमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा. चलो डन डन, हम आगे बढ़ते हैं. परफेक्ट, आगे. अब ये बॉक्सेस हमने काउंट करके अपने साइड में रख लिए, मैं एक बार इसके बाद एक्सेल शीट लगाएंगे. डन. हम लोग ये मेरा मैप है, इसका मैंने सेंटर निकाला. सेंटर निकालने के बाद में ये सेंटर आया. सेंटर निकालने के बाद में हाँ बार चैट वाली फाइल खोल दीजिए. ओके, सेंटर निकालने के बाद में, सेंटर निकालने के बाद में मैंने शक्ति चक्र को इसके ऊपर ओवरले किया. ओवरले मतलब जो भी डिग्रीज आई थी उस डिग्री से शक्ति चक्र की डिग्रीज को मिलाया, सेंटर से सेंटर को मिलाया, तो मेरे पास जोन्स बन बनकर आ गए. 16 के 16 जोन्स बन के आ गए. अब मैंने क्या किया, इसी चीज को एक ग्राफ पेपर के ऊपर भी लगा लिया. ग्राफ पेपर के ऊपर लगा लिया का मतलब ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस वाला ग्राफ पेपर आता है उसके ऊपर मैंने इसका ये मैंने एक ग्राफ पेपर पर इसका प्रिंट आउट ले लिया. अब जो जोन आ रहे थे, जैसे ये वाला जोन आ रहा था, इसमें मैंने बॉक्सेस को काउंट कर लिया. कैसे बॉक्सेस को काउंट कर लिया, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और टेंटेटिवली 10. इस तरीके से सारी दिशाओं के बॉक्सेस को मैंने काउंट कर लिया. ये इजिली हो जाएगा जैसे ही आप इसका प्रिंट आउट ग्राफ पेपर पे लोगे. उसके बाद में इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने बन के आता है. इसका करना क्या है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा. जब आप बॉक्सेस को काउंट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ के पास इतने बॉक्सेस हैं, एनएनई एनई ईएनई ईस्ट, ये इस तरीके के कितने कितने बॉक्सेस हैं.
कौन सा जोन ज्यादा है, कौन सा जोन कम है, इसको करते कैसे हैं, उसके लिए आई थिंक आप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। मैंने एक जगह पर नोट कर लिया, नॉर्थ में 10, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 12, ईस्ट में 16, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में 13, किसी में 8, किसी में 9, ये सारे बॉक्सेस को मैंने ओपन कर लिया, मतलब लिख लिया एक जगह पर, और उसके बाद में मैंने एक्सेल शीट पे आ गया। नहीं तो ये बहुत टिपिकल था फॉर्मेट, हमने एक एक्सेल शीट डेवलप करी है, वो आप सभी लोगों तक आज पहुंच जाएगी। आपको करना क्या होगा, जो बॉक्सेस हैं, उन जो बॉक्सेस आप लोगों ने काउंट किए हैं, उन सभी बॉक्सेस को आपने उन उन जोन्स के आगे लिख देना है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 50 बॉक्सेस आए, मैंने 50 लिख दिए। ये आपको एज इट इज मिलेगा, आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 50 बॉक्सेस, नॉर्थ में 40, जो जो बॉक्सेस आपके आए हैं वो एज इट इज लिखते चले जाना है, और कोई दिमाग नहीं लगाना। नहीं तो इसकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, इन तीनों को लाइनों को निकालने की अलग कैलकुलेशन होती है, इन सभी लाइनों को बनाने की अलग कैलकुलेशन होती है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने जितने बॉक्सेस को काउंट किया उनको आपने यहां पर एज इट इज लिख दिया, और आपको कुछ भी नहीं करना। आपने जितने बॉक्सेस थे वो सब लिखे, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 50, नॉर्थ में 40, फिर 30, फिर नॉर्थ ईस्ट में 20, फिर ईएनई में इतने, ये सारे बॉक्सेस आप लिखते हुए चले गए। जैसे ही आपने लिखा, उसके बाद में ऐसा एक बार ग्राफ आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। उसका मतलब क्या है, उसमें ये तीन लाइंस आप लोगों के सामने बनी हुई आएंगी। जो ये वाली सबसे ऊपर की लाइन है, इससे ऊपर बने हुए जोन्स को हम बड़ा हुआ जोन कहते हैं, एक्सटेंडेड जोन कहते हैं। ये जो कम वाले हैं इनको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड जोन्स, या कम हुए हुए जोन्स जिनकी पावर कम है बार चार्ट में। जूम एक बार पिछला बार चार्ट वाला लगाएंगे जो होता है ये। अब ये बन के आया इस तरीके से, सेम आपको ऑटोकैड वाले बनाकर देते हैं कि ये तीन लाइंस हैं, इन तीनों लाइंस से ऊपर ये जोन बड़ा हुआ है और ये जोन कम है। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा होगा, बट बहुत सारी चीजें आपकी इजी हो चुकी है जो एक्सेल फाइल हमने डेवलप करी है उसके कारण। डन, अब जूम लगाएंगे। सिर्फ बॉक्सेस को काउंट करके आपने वहां पर डालना है आप लोगों के पास में। थैंक यू जी, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। डन, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ बॉक्सेस को काउंट करना है और वहां पर डाल देना। ये छोटा सा एक प्रोसेस है, आपका बार चार्ट बन के आ जाएगा। जो लोग देवताज कोर्स में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, देवताज के लिए मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इवैल्यूएट नहीं कर पाते कि कितने स्टड्स डालने हैं, कितने जेमस्टोन्स डालने हैं, कितने स्प्रिंग्स डालनी है, कितने हमने देवताज जमीन के अंदर डालने हैं, उसकी कैलकुलेशन नहीं समझ में आती, तो कैसे करना है। देवताज को भी हमने इसी टेक्निक से सॉफ्टवेयर के सारे इजी कर दिया, और वहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से देवताज भी आप एक प्रपोर्शंस में एनर्जीज को सॉफ्टवेयर से माप सकते हैं और वहां पर हम डाल सकते हैं। तो सेम तरीके हैं, आप लोगों को बस ये आना चाहिए, तो जिसको ये अच्छे से आ जाएगा उसके लिए काफी हेल्प आगे भी रहेगी। हाउ टू कैलकुलेट एक्सटेंडेड एंड एग्जॉस्टेड लाइंस, मैं आपको बता तो दूं लेकिन इसका अब पर्पस नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वहां पर बनी हुई आएंगी। जैसे ही आप किसी वैल्यू को चेंज करेंगे, आप एक बार एक्सेल शीट खोलेंगे, मैं आपको चेक करवाता हूं। आप देखिए, आप ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले बॉक्सेस को 70 कर दीजिए, आप देखेंगे कि जैसे ही हमने उसको 70 किया, ये लाइन जो है ये चेंज हो गई, ये ऊपर चली गई, ये जोन्स भी चेंज हो गए। आप दोबारा 50 कीजिए, आपको अब समझ में आएगा। ये देखिए, ये लाइंस जो है वो शिफ्ट हो गई हैं अपनी जगह से, और इनका जो एरिया है वो कम और ज्यादा हो गया।
कहां पर हमें डालना है, एरिया वाला जो कॉलम है सिर्फ हमने उसी से प्ले करना है और कुछ नहीं करना है, एरिया वाले कॉलम में आपको जाके डालना है और आपको ये एज इट इज बार चार्ट मिल जाएगा, ये लाइंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका मैं एक टेंटेटिवली बता दूं, ये जो ये वाली लाइन है इसको हम एवरेज लाइन बोलते हैं, एवरेज लाइन, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ द हाउस डिवाइडेड बाय 16। तो पहले आपको टोटल एरिया बॉक्सेस में निकालना होता है घर का, जैसे मैंने मैप खोला, मैप के अंदर जितने टोटल बॉक्सेस थे, जैसे इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो 660 बॉक्स हुए, 660 डिवाइडेड बाय 16, जब मैंने वो किया तो आपकी ये वाली लाइन आ गई। इनमें जब मैंने प्लस किया सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पर 90, तो जब मैंने 660 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 किया तब हमारे पास ये वाली लाइन निकली। और जब हमने इसका उल्टा किया मतलब 607 डिवाइडेड बाय 16 जो भी वैल्यू आई प्लस सबसे कम बॉक्सेस कितने हैं 20 या 10, 10 बॉक्सेस को प्लस किया देन हमने डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये वाली लाइन निकल के आती है और इस तरीके से आपका बार चार्ट बन जाता है। पर आपको अब ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास अब ये सॉफ्टवेयर है तो आपको इतने टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं। जूम ओपन करेंगे। आप लोगों को बार चार्ट बनाना आ गया होगा या आ जाएगा जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा। आप सभी लोगों को सिर्फ उसका प्रिंट आउट लेना है, डब्बों को काउंट करना है, वहां पर डाल देना है, आपका बार चार्ट तैयार है। कोई कैलकुलेशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिनको मैथ नहीं आती उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया गया है। हाँ, गौतम विज जी ने पूछा है ऑटोकैड में क्या होगा। ऑटोकैड में बड़ा सिंपल है, ऑटोकैड में पीछे एक ग्रिड लग जाती है बार ग्राफ वाली ही, मतलब ग्राफ पेपर वाली ग्रिड लग जाती है बॉक्सेस की, आप उसी के बॉक्सेस को काउंट कर लीजिएगा और इस एक्सेल शीट में डाल दीजिएगा। नहीं तो ऑटोकैड में बहुत सारे आप एरियाज निकालने का और भी होता है, आप हर जोन का एरिया भी निकाल सकते हैं और उस एरिया को भी अगर यहाँ पे डाल दोगे बॉक्सेस की जगह पर तो भी कैलकुलेशन सेम आएगी और सही आएगी। जी 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 मैं फ्री में काफी कुछ बांट रहा हूँ जी, मुझे भी ऐसा लगने लग गया है जी अब। सो मंशा ही ये थी जी, मतलब ऐसा कोई विचार था ही नहीं कि मतलब नहीं देना, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो द थिंग इज कि आज हम लोग ये भी डिसाइड कर रहे थे, बहुत सारी टीम जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो परेशान भी हो चुके हैं और सुनने में आया है कि पीछे गालियां भी दे रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो जो लोग पूरा कोर्स कर लेंगे उसके बाद में एक सेशन फ्री में, मेरा मन तो देखो फ्री में है, अब ये लोग जो भी बोलते हैं, तो इंडस्ट्रियल वास्तु का सेशन अच्छे से कि इंडस्ट्रीज को कैसे काम किया जाता है वो मैं फ्री में करवा दूं अगर ये लोग मुझे नहीं डांटेंगे या मारेंगे तो करते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश पूरी यही है कि सब लोग मिलकर साथ चले। डिफरेंस बिटवीन देवता कोर्स एंड वास्तु कोर्स इज देवतास बेसिकली वो जैसे हमारे 16 दिशाएं हैं वैसे देवतास 45 होते हैं, असलियत में उनका असर आपकी लाइफ पर ज्यादा होता है और उन्हीं के गुण धर्मों के हिसाब से ही ये 16 दिशाएं बनी हैं। तो इनिशियल लेवल पर 16 दिशाएं हैं पर प्रैक्टिकल लेवल पर जो लैंड की एनर्जीज हैं वो देवतास एनर्जी फील्ड होती है, उनको ट्रीट करने से रिजल्ट्स और अच्छे या और अच्छे तरीके से आते हैं, इसलिए उसको देवता कोर्स नाम दिया गया है। एग्रीकल्चर का भी सेशन ले लें, लिख दो एग्रीकल्चर का भी सेशन ले लेते हैं जी, कोई गैप नहीं है अगर ये लोग मुझे अलाउड करेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये लोग मतलब बहुत परेशान है, मुझे छोड़ के जाने की उम्मीद है, तो जो लोग इनको रिप्लेस करेंगे आप लोग आ जाइएगा, हम लोग फिर फ्री में बांट लेंगे। सो कोई गैप नहीं, यू आर एन एलुमनी ऑफ डीएवी, सो वैल्यूज आर एलुमनी ऑफ डीएवी। अच्छा, एक साल पढ़ा था जी मैं सर, आई वॉन्ट टू बी द ऑथेंटिक वास्तु एक्सपर्ट लाइक यू। थैंक यू मंगल जी। एल शेप का सेंटर कैसे निकाल लेंगे,
एल शेप का सेंटर अब आप लोगों को धीरे धीरे आ जाएगा, मैंने पहले भी क्लियर किया था, आयुर्वेदा का भी। आयुर्वेदा का वास्तु से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर मेरे पास एक दो बड़े अच्छे अच्छे, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या करेंगे हम आयुर्वेदा सीख के, हेल्थ तो हम वास्तु से ही सही कर ले रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि अगर आयुर्वेदा सीखना है तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, मेरे को बड़े पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें कई काम की भी हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, आयुर्वेदा की बहुत अच्छी नॉलेज है। बाकी एक है हमारे वैद्य हैं, वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मेरे को लगता नहीं कि मैं जड़ी बूटी सीख पाऊंगा। सो अगर ऐसा होता है तो हम कोशिश करेंगे, बट हाँ जो एडवांस के अंदर हम नक्षत्रों के बेसिस पे प्लांट्स का की बात करने वाले हैं, उससे ये जरूर होता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके नक्षत्र हैं, उस प्लांट को घर में रखने से, उस प्लांट का की जड़ का, तने का या पत्ते का सेवन करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। सो उतना सा हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल After guide for the same, Vaid name please and number. Please do discuss office spaces. Office spaces तो हम इसी वाले courses में कर लेंगे। Office वाले spaces हम इसी courses में कर लेंगे। Industry एक typical topic है, तो उसके ऊपर मतलब बहुत लंबा चौड़ा चीजें चाहिए होती है, उसमें देवताज की knowledge, machinery की knowledge, engineering की knowledge, बहुत सारी knowledges चाहिए होती हैं, तो वो अब मेरे को अलाउड करेंगे तो मैं पक्का करवाता हूँ जी एडवांस के बाद। नहीं, एंजल तो लड़कियां नहीं होती क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का कोर्स करते हैं। सो डन। सो आई थिंक आप सभी लोगों को अब मैप पर ग्रिड करना, मैप पर एंट्रेंसेस मार्क करना, मैप पर बार चार्ट बनाना, पंच तत्वों को देखना आ गया होगा। एक छोटी सी बात रह गई, आप एक बार बार चार्ट खोलेंगे प्लीज फटाफट, अभी 5 ही तो बजे हैं, वो वाला जो हमारा बात चार्ट था, चलो यही रहने दो, एक बार मैं इन लोगों को यहां पर एग्जांपल देके दिखाता हूं। सो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत ज्यादा लोग इसमें गलतियां करते हैं, इनफैक्ट 99.9% लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में गलती करते हैं कि बार चार्ट बनने के बाद हम इसको यूटिलाइज कैसे करें। सो बहुत सिंपल है, जो जोन्स बड़े हुए हैं या तो वो, या जो जोन्स कम हैं या ये, इनमें से किसी एक को ही ट्रीट किया जाता है, सभी को नहीं किया जाता। कुछ लोग इनको भी ट्रीट कर देंगे और इनको भी कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे नहीं समझ में आया आज तक वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं इसका। ईस्ट के अंदर हमारे अप्रोक्सीमेटली 80 बॉक्सेस हैं, 80 है राइट, एवरेज लाइन कितनी आई थी हमारी 40 की राइट। अगर मैं ईस्ट को 40 टू 50 करता हूं तो ये बैलेंस होगा, ये बात क्लियर है? सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से मैं इस बात को बता रहा हूं, कोई क्यों वो गलती करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ईस्ट को 80 की जगह पे 40 कीजिए प्लीज, परफेक्ट। अब साउथ वेस्ट को भी 40 कर दीजिए, अब आप ये देखेंगे जब हमने ईस्ट को और साउथ वेस्ट को कम किया, ऑटोमेटिकली जो नीचे वाले जोन्स थे, जो कम जोन्स थे, वो बढ़ गए, इसलिए हमें उनके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। गलती छोटी सी इसमें क्या हो रही है, अगर आप यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस को देखोगे, दैट इज नाउ 570। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अभी भी 660 ही हैं, क्योंकि आपके घर का एरिया हमेशा उतना ही रहेगा, आप सिर्फ फिजिकल लेवल पर इसको चेंज कर रहे हो, तो 660 है, ये सारे जोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। आप इसको दोबारा रिवाइंड कर देंगे, आप देखें इस बात का मतलब क्या है, सिर्फ समझने की जिस्ट से समझिएगा। मैंने यहां से 30 स्क्वायर फीट एरिया निकालकर, यहां से 40 स्क्वायर फीट एरिया निकालकर, इन सभी में थोड़ा थोड़ा बांट दिया, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ये, तो सब मिलकर बैलेंस हो जाते हैं। लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि ये
इनको फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इनको कम कर देंगे तो फिर से घर इम्बैलेंस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको या तो बैलेंस करते हैं या नीचे जो झुके हुए जोन्स हैं, कम जोन्स हैं, इनको बैलेंस करते हैं। करते कैसे हैं बैलेंस? जैसे अब यहां पर एंटी एलिमेंट साइकिल, साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन का रोल आएगा। ईस्ट का एलिमेंट क्या है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए ईस्ट का एलिमेंट क्या है, ईस्ट का एलिमेंट क्या है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। परफेक्ट। एंड ईस्ट का मतलब एयर का चाइल्ड कौन है, इसको चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, एयर का चाइल्ड कौन है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट को कंट्रोल कर लेता है, थोड़ा सा उसको काबू में पा लेता है। अब जाएंगे वहां पर दोबारा। मैंने ईस्ट का बच्चा फायर का कलर पिंक, कभी भी डार्क रेड यूज नहीं करना, यहां पर करवा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। जो बड़ा हुआ है ये उछल के बात कर रहा है ना, ज्यादा हवा में है, ये कंट्रोल हो जाएगा हम जब यहां पर पिंक कलर कर देंगे। अब सेम मैं बात करूंगा, अगर मैं साउथ वेस्ट को मैंने बढ़ा रखा है, साउथ वेस्ट का एलिमेंट क्या है चैट बॉक्स में टाइप करेंगे फटाफट, जूम खोलिए। अर्थ, और अर्थ का चाइल्ड कौन है, अर्थ का बच्चा कौन है एज इन एलिमेंट्स। स्पेस, स्पेस का कलर क्या है, मेटल का कलर क्या है, व्हाइट। एग्जैक्टली, अब हम वहां पर गए, हमने घर के साउथ वेस्ट में व्हाइट कलर करवा दिया, ऑटोमेटिकली ये घर हमारा पूरा बैलेंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं पांच तत्वों में ऑटोमेटिकली सारा बैलेंस हो गया। तो बाकी सभी जगह पर क्या कलर्स रहेंगे, सिर्फ क्रीम ऑफ व्हाइट। सो इस तरीके से आपको प्ले करना है, मैं कौन से जोन्स को चूज करता हूं कि मेरे को इनको कम करना है या ज्यादा करना है, डिपेंड करता है कि मेरी मेहनत कहां पर ज्यादा है। अगर दो ही जोन्स हैं जो बड़े हुए हैं तो मैं इन्हीं को चूज करूंगा, रेदर कि मैं एक दो तीन चार पांच और छह जोन्स पे अलग अलग कलर्स को करवाऊं। अगर मेरे दो जोन्स ही कम होते तो मैं इनके पेरेंट का कलर यहां पर डलवाकर उनको एनहेंस कर देता। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप चाइल्ड और पेरेंट का कलर करके आप घर को बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल और हो जाएगा, लेटर ऑन स्टेज पे बताऊंगा, जो आज तक किसी ने नहीं इस बात को बताया कि कितनी क्वांटिटी में कलर करेंगे, कितना कलर करेंगे और किस शेड का कलर करेंगे तो वो बैलेंस होगा। अभी वो टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा, लोगों को समझ, आप लोगों को समझ में शायद नहीं आएगा, इसलिए एज ऑफ नाउ हम उसको जूम खोल लेंगे, एज ऑफ नाउ उसको हम होल्ड पर डालते हैं। बट हाँ, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बार चार्ट की हेल्प से हम पेरेंट या चाइल्ड का कलर करके घर को बैलेंस करते हैं और सभी जोन्स को नहीं करते। कोई आपको आज के बाद बोले, बहुत सारे लोग आज तक मुझे बोलते हुए आए कि हम तो ऐसे करते हैं, प्रॉब्लमेटिक जोन्स को छेड़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, आप उनको ये एक्सेल शीट दिखाइएगा, बोलिएगा भाई टाइप करके दिखा, जब वो ऊपर नीचे करेंगे अपने बॉक्सेस को तो दोबारा सारा घर इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, जैसे अगर मेरा ये घर है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एक्सिस पर बना हुआ है और ये जोन्स है, तो ऑटोमेटिकली है मेरे नॉर्थ के पास एरिया, साउथ के पास एरिया ज्यादा है, वेस्ट के पास और ईस्ट के पास कम है, इसके पास ज्यादा है, ये बट ऑब्वियस हो गया। तो हम इसको बैलेंस करने का मतलब क्या है, अगर इसके पास 100 square feet है, इसके पास 100 square feet है, इसके पास 30 है, तो इन दोनों से थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर यहां पर डाल दिया जाएगा, मतलब यहां से हमने काटा और इसको दे दिया, यहां से हमने काटा और इसको दे दिया।
तो ये घर एक परफेक्ट शेप में आ जाएगा, एक बैलेंस वाले मोड में आ जाएगा, ये इसका लॉजिकल रीजन है। अब लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लोग क्या करेंगे, इसको भी कम करवा दिया, इसको भी कम करवा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो टेक्निकली ये शेप कैसी बन जाएगी, ये शेप ऐसी बन जाएगी और फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें इसको एक बैलेंस स्टेट में लेकर आना होता है। डन, आगे बढ़े। दो मिनट का ब्रेक ले लूं, मैं ले लूं, दिखाना लोग क्या कहते हैं। दो मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों से दोबारा मिलता हूं। जिन लोगों को जल्दी है आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक हफ्ते का गैप है, उसके बाद में चार सेशन लगातार है हमारे 18, 19, 20 और 21 को। और वैसे टेक्निकल तौर पर जितना कोर्स कंटेंट अभी तक हो चुका है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज में इतना ही कंटेंट यहां तक होता है। अब आगे आने वाली जर्नी में जिन लोगों को यहां तक आ गया, उसके बाद में सब कुछ अलग और नए तरीके का होगा। तो यहां तक आप लोग सीख लें एक हफ्ते में, और देन फिर हम अच्छे से चारों सेशन को करके आप लोगों को आगे की जर्नी की तरफ लेके जाएंगे। डन, मैं दो मिनट के अंदर दोबारा आता हूं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट सेंटर पॉइंट पॉजिटिव होने बात से दिखाई, देन वी नीड टू ट्रीट नोट चाहे पॉजिटिव नहीं हाई और एंड ऑन है। आगे सभी सब बोल तो ऐसे रहे जैसे अपने सिवा सबके बारे में आपको पता है कि वो आए हैं नहीं आए, मतलब कमाल है। आगे बहुत बढ़िया। इफ पॉजिटिव जोन इन बार चार्ट इज हाई देन मीन, यस, कोई भी चीज देखो, पहली बात तो कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का होता नहीं है, सिर्फ उनको नाम दिए गए हैं याद रखने के लिए। तो कोई भी चीज की बैलेंस स्टेट जरूरी है। जैसे पॉजिटिव जोन, बहुत सारे लोगों का ये, मेरा नॉर्थ बहुत बड़ा है, बहुत एक्सटेंडेड है, तो मैं मेरी अपॉर्चुनिटीज को खोऊंगा क्या? अरे पहले ही कहां आ रही है जो खोओगे। सो अपॉर्चुनिटीज बड़ी होने का मतलब क्या है, वो जोन इम्बैलेंस है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, कम और ज्यादा में फर्क क्या है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर कम होगा तो वो जो जोन है उसके लिए आपको एफर्ट ही नहीं कर पाओगे, वो चीजें लाइफ में कम रहेंगी। अगर ज्यादा है तो उसके पीछे इतना लग जाओगे कि भागते रहोगे लेकिन कभी हाथ में नहीं आएंगी। तो बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। आप जितना कर्म करो उतना आपको उसका मिले। सो आपको हर जोन को बैलेंस करना, मतलब एक घर को बैलेंस करना जरूरी है। जो भी लोगों को बड़े होने, जोन बड़े होने से क्या होता है, जोन कम होने से क्या होता है, ये समझना है। तो फेसबुक पर मेरे हर जोन के बारे में, अगर ये बड़ा है तो इसमें ये होगा, कम है तो इसमें ये होगा, के नोट्स अवेलेबल हैं। आप जाओ उसके बारे में आराम से पढ़ो, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े डिटेल में नोट्स हैं। बट हाँ, ये बात सही है कि आप लोगों को ये करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे वो जोन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इट मींस वी कैन ट्रीट विद कलर्स ऑफ एक्सटेंडेड और कट जोन विद चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। यस ऑफ कोर्स सर, ये बार चार्ट वाला सॉफ्टवेयर सेंड कर दीजिएगा। जी मैं खुद ही बोलूं, ये अभी मेरे को पीछे बताया, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्सेल फाइल, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर ही है, पर इन्होंने बोला कि आप लोग सॉफ्टवेयर मत बोलिए, आप बोलिए कि एक्सेल शीट है, तो मैं एक्सेल शीट दे दूंगा। Boxes to be considered only for built-up area, garden common areas to only for the built-up area. We are talking only about built-up area. पूरे open area का bar chart कभी भी नहीं बनाया जाता है, ना ही वो considerable होता है। और कोई doubt? We should put bigger neighbor zones.
color to smaller zones to balance. नहीं समझ में आई ये बात. Bigger neighbor zones और ये नहीं समझ में आई आप exactly क्या कहना चाहते हैं. What element is magnet? जो चीज एक दूसरे को जोड़ती हो, that is water element. अभी आप और न्यू टॉपिक्स करवाएंगे या न्यू टॉपिक करवाएंगे जी? बिल्कुल, अभी हम एंट्रेंसेस के ऊपर बात करने वाले हैं. 3-6 का तो टाइम ही रखा हुआ है ना हमने, 3-5 का रखा हुआ है. अच्छा, मतलब मेरी टीम बहुत नाराज है, मतलब मेरे को मार रहे थे अभी मैं पीछे गया. आप लोग निशान देख सकते हैं मेरे चेहरे पर. शुड बी शक्ति चक्रा फ्रॉम वेयर. आप लोगों को ये शक्ति चक्रा की जो फाइल है ये वो अभी टेलीग्राम ग्रुप. हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का, आप सभी लोग अपने अपने फोन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम को डाल लीजिए. आप सभी लोगों के पास एक लिंक आएगा, उसमें आपको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा. वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7. हम लोग रिप्लाई अपनी मर्जी से देंगे जब हमें टाइम होगा. दूसरी बात, वहां पर आपको ये फाइल मिल जाएगी जिसमें शक्ति चक्र की ट्रांसपेरेंट फाइल है, आज की PDF, जो आप लोगों को काम करना है, जिसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. ऐसे 5 नक्शे उसमें आ जाएंगे, या जो भी आगे आने वाली सारी इंफॉर्मेशन है वहां पर पार्क होती रहेंगी. एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करता हूं और लोग बहुत कम मानते हैं, कि वहां पर किसी का कोई डाउट आए और आपको उसका आंसर आता है तो आप रिप्लाई मत कीजिएगा. जैसे ही वो कन्वर्सेशन बन जाती है तो मेरे लिए उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर मैं उस बात को इग्नोर मारता हूं. तो इसलिए आपको अगर आता है उसका आंसर, इट इज वेरी गुड. अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसका आंसर कहीं पर लिख लीजिए और फिर जब मैं आंसर करूं तो आप उसको मैच कर सकते हैं. प्लीज ग्रुप में एक दूसरे को रिप्लाई ना करें. दूसरी बात, अपनी बातों को बेचने के लिए, अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ग्रुप के लोगों को कॉल करना और मैसेज करना अच्छी बात नहीं है और ऐसा मत कीजिएगा. हमारा ग्रुप बहुत प्यार से चलता रहे, हम सब लोग मिलकर लोगों के लिए काम करते रहे, यही इस ग्रुप का मोटिव होगा. डन सर. क्या हम आपकी टीम की तरफ से माफी मांगते हैं? आपकी टीम की तरफ से माफी मांगते हैं. डन कोई बात नहीं. इफ होरोस्कोप डिनाइड, क्या था? अच्छा क्वेश्चन था. इफ होरोस्कोप डिनाइड मैरिज कैन वास्तु हेल्प? यस ऑफ कोर्स वास्तु कैन हेल्प. और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं जो अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं जहां पर ऐसा पॉसिबल हुआ और हमने रिजल्ट दिया. सर प्लीज टेल बालकनीज टू बी इंक्लूडेड व्हाइल मार्किंग सेंटर. इट डिपेंड्स कि जो बालकनी आपकी है आप उसको यूज करते हो. अगर आप उसको यूज करते हो तो हाँ, आपको उसको सेंटर के लिए लेना है. अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो आपको उसको सेंटर के लिए नहीं लेना है. टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? मुझे भी नहीं पता. आई थिंक BBC 1 करके होगा, BBC 2 करके, जो भी होगा वो आपके पास लिंक आ जाएगा और आप उसको फिर ज्वाइन कर पाएंगे. हाउ टू ट्रीट E5 सूरज एंट्रेंस एंड यम एंट्रेंस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल शॉर्ट टेम्पर्डनेस. शुभम जी, अभी के लिए हम इस बात को बाद में करेंगे. ट्रीटमेंट्स मैंने अभी किसी भी चीज के करवाए नहीं है. लेट्स गो टू द टॉपिक नाउ. आई थिंक इफेक्ट ऑफ एंट्रेंसेस, जिन लोगों को बहुत जल्दी हो रही है, आई थिंक ये वाला टॉपिक अगले 10-12 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा. उसके बाद मैं फिर से आराम से आधा घंटा बैठ कर आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा. तब तक बने रहें और जिसको डाउट्स नहीं चाहिए वो लोग जा सकते हैं. और कोशिश कीजिए सेशंस को पूरा देखते रहें, क्योंकि हर सेशन में पिछले सेशन के डाउट क्लियर करने में टाइम वेस्ट होता है. इफेक्ट ऑफ एंट्रेंसेज क्या है, एंट्रेंसेज होती क्या है, इसको आगे करेंगे हम. एंट्रेंसेस होती क्या है? जो शक्ति चक्र के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 एंड N8, इस तरीके से 32, इस तरीके से 32 एंट्रेंसेस बन सकती हैं एक किसी भी घर के अंदर. हमें यह देखना होता है कि कौन सी एंट्रेंस हमारे घर में इस वक्त आ रही है. जैसा आप लोगों को अभी दिए गए मैप्स में पता लगा कि वहां पर N6 की एंट्रेंस आ रही थी, तो उसके इफेक्ट N6, मतलब N6 का जो जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उससे रिलेटेबल नहीं होंगे. जो इफेक्ट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये वाले इफेक्ट्स वहां पर आएंगे. जैसे किसी की एंट्रेंस अगर N4 की है तो लॉट्स ऑफ मनी, मेल सक्सेसर इन फ्यूचर, इस तरीके के आप लोगों को इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब एंट्रेंस आपके घर की ये होती है. इसीलिए हमने फर्स्ट जो स्टेप है वो एंट्रेंस का रखा है, कि क्या आपका सिम्टम एंट्रेंस से
मैच होता है कि नहीं होता, जब आप शक्ति चक्र रखेंगे तो उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ आ रहा है वो आपकी एंट्रेंसेस होंगी। क्या हमें इसको याद करने की जरूरत है? नहीं, आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास इसका रेडी रिकर्नर या पीडीएफ हम लोग दे देंगे जिसमें एंट्रेंसेस के इफेक्ट लिखे हुए होंगे। आप हमेशा उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि सिम्टम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं हर एंट्रेंस के इफेक्ट क्या होते हैं। इन जनरल हमारे पास 8 एंट्रेंसेस पॉजिटिव होती हैं। कौन सी जो भी 3 और 4 नंबर की है, नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4 एंड वेस्ट में W3 W4। ये 8 एंट्रेंसेस हर किसी के लिए पॉजिटिव होती ही होती हैं। दूसरी बात, उसके सिवा एक एंट्रेंस S2 एंड N8, ये एंट्रेंस टेंटेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्टैंड करती हैं। कैसे? N1 की जो एंट्रेंस है उसका इफेक्ट है कैन क्रिएट सिनेरियोस टू हार्म समवन। किसी के घर में N1 की एंट्रेंस होती है तो ऐसे लोगों को ऐसी इंटेंशंस हो जाती हैं कि वो किसी को हार्म करें, और कई बार ऐसा होता है कि उनको भी किसी दूसरे से नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। N2 फीलिंग इन वॉइस एंड जेलस इन नेचर, जो आपकी नेचर है वो जेलसी वाली हो जाती है, हमेशा इरिटेशन रहना, हमेशा दिमाग में एक जेलसी की नेचर रहना। लोग भी आपसे बहुत जलते हैं और आप भी लोगों से बहुत जलना स्टार्ट कर देते हैं, एक इरिटेशन का बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। N3 एंसेस्ट्रल गेन्स एंड लॉट्स ऑफ अर्नड मनी। सच बात बताऊं तो जितनी भी 3 और 4 की एंट्रेंस है वो देती एक ही बात है, पैसा। अब ये अलग अलग तरीके से शब्दों में लिखा गया है, मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरी रिसर्च में अलग अलग दिशा के मुख की एंट्रेंस का रेलेवेंस क्या बना। उसके बाद में N4 लॉट्स ऑफ मनी, मेल सक्सेसर इन फ्यूचर। इस तरीके से आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? आई थिंक बीच में किसी ने बोला है कि आवाज नहीं आ रही। ओके, डन। N5 ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद रिलीजियस थॉट्स। अभी N5 की जो एंट्रेंस है वो रिलीजियस थॉट्स देती है, या सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ देने की आदत देती है। N6 नॉट टेकिंग थिंग सीरियस और बीइंग फनेटिक, बहुत ज्यादा चीजों को सीरियस ना लेना और यूं ही लिथार्जिस में छोड़ देना, N6 की एंट्रेंस गवर्न करती है। N7 गर्ल्स ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशंस। गर्ल्स जो हैं घर की वो अलग तरीके के ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं। ट्रेडिशंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी घर में दूसरी कास्ट में शादी करना, या किसी घर के अंदर एक बच्चा जिसको बचपन से तैयार किया गया एक पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए वो पढ़ाई को फॉलो ना करना। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडिशनल फैमिलीज को या वैल्यूज को मानते हैं। तो अपने लीक से हटकर एक स्टेप लेना या ऐसी बात करना जो आपके पेरेंट्स को एंसेस्टर्स को खुश नहीं रखती, इन जनरल N7 की एंट्रेंस के इफेक्ट ये होते हैं। या मैं छोटी सी बात बोलूं तो गर्ल्स, घर की गर्ल्स के लिए कोई खास अच्छी एंट्रेंस ये नहीं होती। N8 बैंक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय हुक और क्रुक। ये एंट्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी एंट्रेंस नहीं है। पहले हम इसको हायर बैंक बैलेंस की बोला करते थे, बट लोग, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए, आई थिंक मेरे इस कोर्स में भी एक दो केसेस ऐसे आएंगे। N8 की जो एंट्रेंस है उसके अंदर कि उसके इफेक्ट्स ये हैं कि वो किसी भी तरीके से इंसान को मजबूर करते हैं कि उसका बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा रहे। अब वो लोन्स भी, बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों के घरों में वो लोन्स भी दे देते हैं। सो इस एंट्रेंस को टेक्निकली मैं कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। लेट्स से कि मेरे पास एक हेल्दी कैश है, हेल्दी लाइफ बन सकती है, पर फिर भी लोन लेके अपने बैंक को भरे रखना भी इसमें आता है। अगर आप ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, आपके बैंक बैलेंसेस भरे रहते हैं, तो ये अननेसेसरली आपको लोन नहीं देगी। बट अगर आप अमीर नहीं हैं और एक नॉर्मल जीवन को जी रहे हैं तो हो सकता है ये आपको लोन्स दे दे। इस तरीके से N1 से N8 जो एंट्रेंसेज हैं वो नॉर्थ की होती हैं और आपको अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स देती हैं। आगे
इवन कैन कॉज फायर एक्सीडेंट फॉलोड बाय लॉसेस. इवन की जो एंट्रेंस है फायर एक्सीडेंट देती है और लॉसेस भी देती है. E2 की एंट्रेंस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर देती है. और कुछ लोगों का जैसे मानना है कि गर्ल चाइल्ड ज्यादा बॉन्ड होती है अगर ऐसे घरों में आप लोग रहते हो. बेसिकली ये एक आदमी की मेल की ऊर्जाओं को वीक करती हैं या फेमिनिन बनाती हैं, जिसके कारण गर्ल्स ज्यादा बॉर्न होने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं घर में. बट इन जनरल ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स देती है, बहुत ज्यादा खर्चे देती है. E4 इन्वॉल्व E3 सक्सेस हाई प्रॉफिट्स एंड मनी. E3 की जो एंट्रेंस है वो सक्सेस देती है, हाई प्रॉफिट देती है एंड मनी देती है. आप लोगों को ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों के पास इसकी PDF आ जाएगी. जैसे ही आपने किसी का नक्शा देखा वहां पर एंट्रेंस निकल के आई E3, आपने उस PDF को खोला और देखा कि ये पॉजिटिव एंट्रेंस है तो आपको उसको ट्रीट नहीं करना होगा क्योंकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 8 एंट्रेंसेस पॉजिटिव है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर दिशा की 3rd और 4th नंबर की एंट्रेंस पॉजिटिव होती है. E5 रेस्टलेसनेस देती है, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर देती है. ऐसे घरों में अक्सर रहने वाले लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा होता है. E6 बिहेव्स इनसेंसिटिव टू एवरी एस्पेक्ट. बहुत इनसेंसिटिव सा बिहेवियर होता है, हर बात के लिए चुल होना, हर बात के लिए दिक्कत होना, हर बात के लिए इनसेंसिटिव होना ऐसे लोगों की आदत हो जाती है. E7 फॉल्स कमिटमेंट एंड अनरिलायबल पर्सन. E7 वाले जो लोग हैं ऐसे लोगों की कमिटमेंट अक्सर फेल हो जाती है या अनरिलायबल टाइप के लोग हो जाते हैं. खुद को भी इनको शिकायत होती है कि यार मेरी कमिटमेंट है ना वो उतनी अच्छी रहती नहीं, मैं क्या करूं. E8 फाइनेंशियल लॉसेस एक्सीडेंट ऑफ एनी काइंड. फाइनेंशियल लॉसेस देती है E8 की एंट्रेंस और एक्सीडेंट भी देती है E8 की एंट्रेंस. यहाँ के बेसिकली ये एंट्रेंसेस काम कैसे करती हैं इस बात को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी एक देवता फील्ड बढ़ जाता है, जैसे वहां पर एंट्रेंस बनती है तो वो देवता फील्ड एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण ये एंट्रेंसेस ज्यादा आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है. आगे S1 बैड इन्फ्लुएंस ऑन सन. S1 की अगर एंट्रेंस आप लोगों के घर में होती है तो घर के लड़कों को ये खराब करती है. चाहे वो ट्रेडिशन को फॉलो ना करें, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो जाएं, चाहे वो लीग से हटके काम करें, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही देती है S1 की एंट्रेंस. S2 एक्सेल इन जॉब. जॉब जो कर रहे होते हैं उनके लिए S2 की एंट्रेंस फ्रूटफुल रहती है. ऑल अराउंडर मनी एंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी होगा. S3 की जो एंट्रेंस है वो ऑल अराउंडर टाइप के इंसान होते हैं, इन जनरल बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी देती है. जैसा मैंने आपको बोला 3 और 4 की जो एंट्रेंसेस है वो हमेशा अच्छी होती हैं. S4 प्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ एनी वर्क एंड मेल चाइल्ड इज बोर्न. अगर S4 के एंट्रेंस होती है तो देखा गया है कि ऐसे घरों में मेल ज्यादा पैदा होते हैं. इस बात से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऐसे घरों में शिफ्ट हो जाओ जहां पर लड़के ज्यादा पैदा हों या लड़कियां ना हों. ये टेक्निकली इन साइंसेस का बहुत गलत इस्तेमाल है, लेकिन क्योंकि लिखा गया है तो बताना मेरा फर्ज बनता है. S5 पाइल ऑफ डेट्स माइंड बिगिंस टू ब्लॉक. S5 की जो एंट्रेंस है माइंड को ब्लॉक कर देती है और आपको सारी दुनिया से अलग कर देती है, आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे दे देती है और आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है. S6 एक्सेसिव पेनरी स्कैर्सिटी ऑफ मनी. ये जो शब्द यूज किए गए हैं बड़े ही, जिन्होंने किए हैं उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, मेरी थोड़ी सी वीक है, बट अल्टीमेटली इस बात का मतलब यही है कि ये एंट्रेंस भी आपको पैसे के लिए तड़पाती है, पॉवर्टी देती है, गरीबी देती है और आपको दुनिया से काट देती है. पूरे वास्तु में पूरे 16-32 जो हमारी एंट्रेंसेस हैं उसमें S5, S6, S7, S8 एंड W1, ये सभी एंट्रेंसेस
बहुत बुरी हैं, S5, S6, S7, S8 एंड W1, ये पांच एंट्रेसेस हैं जिनके ना तो ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट्स आते हैं और हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती हैं। बहुत मुश्किल से इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं किसी किसी केस में। जीरो रिजल्ट्स इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड, S7 बहुत सारा काम करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलना, S8 आइसोलेट होल फैमिली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको दुनिया से अलग करती है और कर्जे तो देती ही है। आगे बढ़ेंगे। W1 लाइफ स्पैन एंड फाइनेंशियल पोजीशन आर लो, जो W1 की एंट्रेंस है, जैसा मैंने आपको पहली पांच एंट्रेंसेस बताई उनमें से एक है W1 की एंट्रेंस जो आप सभी लोगों को प्रॉब्लम में डालती है पैसों से स्पेशली। W2 इनसिक्योर अबाउट रिलेशनशिप करियर एंड इनस्टेबिलिटी, W2 की जो एंट्रेंस है आपको इनसिक्योर करती है अपने रिलेशनशिप के लिए, इनस्टेबिलिटी देती है और हमेशा एक लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग रखती है। W3 W4 इन जनरल बहुत अच्छी एंट्रेंस होती है। W5 थॉट्स ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑल टाइम, ऐसे बंदे हमेशा अपने आप को परफेक्शन के ऊपर तोलते हैं और हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। W6 नॉट अचीविंग थिंग्स एज पर एक्सपेक्टेशन, चीजें नहीं मिलती जब अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो चीजों को अचीव नहीं कर पाते। W7 बीइंग एडिक्टेड टू ड्रग्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स बिकॉज ऑफ सैडनेस, देवदास काइंड ऑफ बना देती है ये वाली एंट्रेंस। जब आपको किसी बात का दुख होता है तो आप अलग अलग तरीके की चीजों का यूज करके एडिक्शन में चले जाते हैं। अनएथिकल वेज टू अचीव पर्सनल गेन्स, W8 की जो एंट्रेंस है ये अनएथिकल वेज देती है ताकि आप अपने पर्सनल गेन्स अचीव करो। ये ऐसे इंसान को मानसिकता देती है कि जो भी मैं करूं खुद के लिए करूं, सेल्फ सेंटर्ड बना देती है जिससे उसको प्रॉब्लम भी आती है, उसके ऊपर कर्जे भी आते हैं। बट ये दो नंबर का काम करने वालों के लिए अच्छी एंट्रेंस भी है। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट कौन है, अगर आपका क्लाइंट कोई गुंडा माफिया हो सकता है तो उसकी एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपकी 32 की 32 एंट्रेंसेस क्लियर हुई होंगी। हम इनको याद करने की दोबारा मैं जैसे बोलूं कि जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जूम लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। एक चीज मैं छोटी सी और एक्सप्लेन करना चाहूंगा एंट्रेंसेस के लिए, उसके बाद हम जूम लगाएंगे। ये वीक हो गया है, ये जितनी भी एंट्रेंसेस है जैसे ही आप लोग प्रॉब्लम लिखते हैं वहां पे एंट्रेंस लिखी, एंट्रेंस लिखने के बाद में आपने उसका सिम्टम आगे लिख दिया, अगर वो उसकी लाइफ से मैच होता है तो आप उसको ट्रीट करवाएंगे। एंट्रेंसेस काम कैसे करती हैं ये आपको डिटेल में देखना है। जैसे मेरे घर का गेट है, दरवाजा है, तो जो मेरे घर की बाउंड्री है यहां पर एक देवता फील्ड होगा कोई भी, वो जो देवता फील्ड होगा इसकी एनर्जीज एक्सपेंड होना स्टार्ट करती है जैसे ही वहां पर एंट्रेंसेस बन जाती हैं। ये एक्सपेंड होती हैं और अपना ऑरा फैलाती हैं। ऑरा कैसे फैलाती हैं, जब आपके अंदर की एनर्जीज बाहर जाकर मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट होती हैं। जैसे ही आप स्टेप इन और स्टेप आउट का कॉन्सेप्ट लेते हो घर में, तो बाहर की एनर्जीज और अंदर की एनर्जीज का जो मिलन होता है उसके कारण ये एक्सपेंड होना स्टार्ट करती हैं। तो जो देवताज एक्सपेंड होने से पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं वहां पर ये एंट्रेंसेस पॉजिटिव होती हैं, वो एंट्रेंसेस को हमने पॉजिटिव लिया। जो देवताज एक्सपेंड होने के बाद में नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं उनको हम ट्रीट कर लेते हैं अलग अलग मेथड से, पत्तियां डाल के या फिर हम टेप्स वगैरह लगाकर। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा होगा, पर जैसे ही हम पत्तियां या टेप लगाते हैं तो एक पत्ती या टेप डालने से, एलिमेंट इंट्रोड्यूस होने से, ये ऑरा फैलना बंद होता है और आपका देवता एक लेवल में आकर सीमित हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग एंट्रेंसेस अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स देती हैं। ये सिर्फ समझने की बात है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी आप कहीं किसी के पास जाओ तो आपके पास फैक्ट्स एंड प्रूफ्स बहुत सारे हों कि चीजें काम कैसे करती हैं। एंशियंट टाइम पे
कैसे लोगों ने ये डिसाइड किया कि एंट्रेंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। मैं थोड़ा सा लंबा ले रहा हूँ, ये टॉपिक था नहीं पर मेरा मन है बताने का। सो पहले स्वास्तिक जो हुआ करते थे इस तरीके से, इनको यूज किया जाता था एंट्रेंसेस को फाइंड करने के लिए। अगर आप में से किसी ने बहुत पुराने वास्तु कंसल्टेंट से जो बहुत ज्यादा एज रखते हो उनका तरीका देखा हो काम करने का, मैं उनके साथ में रहा हूं, मैंने काम करके देखा है, जो बहुत एंशियंट पुराने 70-80 साल के 90 साल के वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो इस तरीके का स्वास्तिक बना लिया करते थे अपने पास में। ये स्वास्तिक का मतलब क्या है, जब भी आपके घर की एंट्रेंस पॉजिटिव होती है तो स्वास्तिक जैसी संरचना आपके घर के अंदर बन जाती है। होता क्या है, उन्होंने किसी भी एक दिशा को, इसको नॉर्थ, इसको ईस्ट, इसको साउथ और इसको वेस्ट लिया और इस पे थोड़ा थोड़ा सा एक एंगल डेवलप कर दिया। अब जब आप इसको नॉर्थ में एकदम अलाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल बनेगा ये N3 N4 पे आपको एंट्रेंस देगा, ये E3 E4 पे देगा, ये S3 S4 पे देगा, ये W3 W4 पे देगा। इस तरीके से आपके घर के अंदर ट्रेट्राहाइड्रल शेप की संरचना बनती है, जो स्वास्तिक टाइप की संरचना होती है, स्वास्तिक जैसी संरचना होती है, जिससे आपका घर पॉजिटिव चीजों से, अबंडेंस से भर जाता है। इसीलिए 3-4 की एंट्रेंसेज पॉजिटिव मानी गई हैं और पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देती हैं। डन, आई थिंक आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों के डाउट्स पे। एक छोटी सी बात और, आप सभी लोगों को मैं दोबारा बता दूं, अगली बार हमारा सेशन 18, 19, 20, 21, आप लोगों को पहले भी पता होगा, लगातार 4 दिन है, उसके बाद में आपके 8 सेशंस क्लियर हो जाएंगे। देन उसके अगले सैटरडे संडे न्यूमरोलॉजी, उसके अगले सैटरडे संडे एंड मंडे एस्ट्रोलॉजी, देन फिर देवता, और बीच में एक दो जो फ्री कोर्सेज हमारे हैं जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस और डिकोड वास्तु बाय बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा हर सैटरडे संडे और बीच बीच में, सो दैट कि हम लोग इस बात को क्लियर करते चले। तो अब मैं आप सभी लोगों के डाउट्स लेता हूं। आई थिंक आप सभी लोगों को अभी तक का सब क्लियर होगा, क्लियर है, आगे बढ़े, डाउट्स लें आप लोगों के। वॉइस इश्यू अब तो नहीं होंगे, एमनेट एज हायर बैंक बैलेंस एंड न्यू डेफिनेशन, डज इट चेंज द होल मीनिंग ऑफ एमनेट एंट्रेंसेस? जस्ट गो एंड ऑब्जर्व दिवेश, I won't say कि ये एक new definition है, I will say कि जाओ और observe करो, मतलब किसी की भी बात को मान लेने से ज्यादा जाओ और जाकर देखो। ये मेरा खुद का experience रहा है, मेरे बहुत सारे करीबी लोग हैं जिनके घर मैंने ये देखा, जिनके घरों में NET की entrance अगर होती है तो कर्जे का कारक बन जाती है unnecessarily, मतलब आप उसको हायर बैंक बैलेंस बोल दें या आप उसको कर्जा बोल दें। अगर आपके बैंक में ऑलरेडी पैसा रहता है, आप बहुत समृद्ध हैं, तो वो फ्रूटफुल भी साबित होती है। सर डाउट आफ्टर क्लास प्लीज। हाँ जी, आफ्टर क्लास ही ले रहे हैं जी। व्हाट इफ द एंट्रेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोन, एग्जांपल E4 एंड E5? व्हाट इफ द एंट्रेंस इज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोन? ओके, मल्टीपल एंट्रेंसेस होंगी तो क्या करेंगे? अभी के लिए सिर्फ सिम्टम मैच करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इस बात के लिए क्लियर कर दूं एक बार दोबारा कि जैसे ये मेरा घर का गेट है, यहां पर हाफ आई E4 और ये जो हाफ आई ये E5 आई, तो आपको इन दोनों के ही इफेक्ट घर में आएंगे ज्यादातर टाइम पर। जो 70% कवरेज एरिया जिस भी एंट्रेंस का होता है उसके रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे होते हैं, पर फिर भी मैं यूं कहूंगा कि दोनों के ही आएंगे, ट्रीटमेंट आप लोगों को बाद में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन शायद बीच में आया था कि अगर किसी की एंट्रेंसेस मल्टीपल हैं तो क्या होगा, सभी के इफेक्ट्स आप लोगों की लाइफ में दिखेंगे, सभी के जितने भी मल्टीपल एंट्रेंसेस आप लोगों के घरों की होगी।
अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्वास्तिक वी हैव टू मेक ऑन डोर और मेक इट नो स्वास्तिक सिर्फ मैंने संरचना के लिए बताया था, डोर पे बनाना है नहीं बनाना ये हम जब रेमेडीज सीखेंगे तो अगली बार जब आप लोगों को मैप करना आ जाएगा तब फिर मैं रेमेडीज बताऊंगा, उसमें आपको स्वास्तिक के बारे में भी पता लगेगा। मोर देन वन एंट्रेंस के ऊपर बात हो चुकी है सर, इन योर मार्क पंक्ति पटेल, सर इन योर मार्क मतलब आगे बढ़ते हैं। सर बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि हर पर्टिकुलर जोन में सभी 8 एंट्रेंसेस क्रिएट करके देखते हैं, जबकि एंट्रेंस सेंटर से शक्ति चक्र से पता चलेगी। पता नहीं जी ऐसी गलती कौन कर रहा है, मैंने जो आपको मेथड बताया बड़ा सिंपल सा है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, उसी तरीके से देखिए और आप लोगों को समझ में आएगा। सर कोई घर को देखते ही उससे एंट्री कैसे पता चलेगी? नहीं, घर को देखती एंट्री नहीं पता चलेगी, आप लोगों को एंट्रेंस हमेशा मैप के बाद में ही पता लगेगी, मैप पे मार्किंग के बाद में ही पता लगेगी। इनफैक्ट ये गलती कभी नहीं करते, मैं कल परसों की ही बात है, आई थिंक लास्ट वीक की बात है, खुद के लिए ही हम लोग अलग अलग लोकेशन पे ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक लोकेशन पे जब मैं ऑफिस सेलेक्ट करने गया तो वहां पर ऐसा ही होता है, हम लोग इन जनरल टेंटेटिव एक कंपास से देखते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ साइट विजिट पे चलोगे, भगवान ने चाहा, अगर टीम ने चाहा बेसिकली, तो हम लोग चलेंगे साइट विजिट्स पे, तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा बिना मैप के मैं कोई काम नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए। जब उसका मैप आ गया तब मैंने श्योरिटी दी कि मेरे को इस ऑफिस को लेना है। प्लीज टेल हाउ टू सी एंट्रेंस डायरेक्शन एंटर और लिविंग डायरेक्शन, हाउ टू सी। कविता जी आई थिंक आज का सेशन में आप शुरुआत में शायद नहीं होंगे, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से एंट्रेंसेस को देखा जाता है, कैसे मैप किया जाता है। शक्ति चक्र में जो नंबर आपकी एंट्रेंस पर आकर लग गया उस नंबर की एंट्रेंस आपकी होती है। सर विच एंट्रेंस शुड वी कंसीडर व्हाइल लुकिंग फॉर अ प्लॉट, कॉज आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंट्रेंस अगेन चेंजेस। नहीं समझा सर, विच एंट्रेंस शुड वी कंसीडर व्हाइल लुकिंग फॉर अ प्लॉट? एग्जैक्टली नहीं समझ पाया हूँ रागिनी जी, आप क्या बात करना चाह रही हो, क्या आप इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख सकते हैं प्लीज? सर इज तो ओवरहेड टैंक अर्थ एलिमेंट, यस ओवरहेड टैंक इज अर्थ एलिमेंट। आगे गॉट लॉट टू लर्न टूडे, प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ टूडे। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उसके बहुत सारे कारण हैं, वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है, बहुत लोड है, और मेरा मानना ये है, मेरा मानना है, देखो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब मेरे ही मानने के हिसाब से बता रहा हूँ, सही भी हो सकता है और गलत भी। रिकॉर्डिंग्स देख के वो चीज नहीं बनती जो बात एक लाइव इंटरेक्शन में या लाइव केस में होती है, और फिर बाद में उन बातों का डाउट्स को क्लियर करना इट्स वेरी हार्ड एंड टाइम वेस्ट। सो हाँ, जो लोग नहीं कर पा रहे कोर्स किसी कारण से, जिन लोगों ने पहले कमिट किया था उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स है, और जितना मैं समझा रहा हूँ अगर आप उसको लिखते चलेंगे या जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आप चलते चलेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। सर बालकनीज ऑल्सो प्ले एंट्रेंसेज? नो, बालकनीज नेवर प्ले एनी रोल एज पर एंट्रेंसेज। धीरे धीरे करके मैं आपको केसेस दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, बट एज ऑफ नाउ नो, बालकनी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एंट्रेंस। एंट्रेंस फॉर विलास, वट वुड बी द गेट और द मेन डोर, इस पे बात करते हैं हम आगे, मैं अभी बता ही देता हूँ। सो इफ इन केस वी हैव अ विला और अ कोठी काइंड ऑफ थिंग, सो यू हैव दिस प्लॉट एंड यहाँ पर आपका एक कंस्ट्रक्टेड घर है, तो आपको पहले इसका सेंटर लेना है, आपको पहले इसका सेंटर लेना है, और यहां पर अगर एंट्रेंस है तो वो भी इफेक्ट करेगी, और उसके बाद में आपको इसका सेंटर अलग से लेना है और इसकी एंट्रेंस को अलग से चेक करना है, तो ये भी इफेक्ट करेगी और ये भी इफेक्ट करेगी, इन दोनों को ही आपने ट्रीटमेंट देने होते हैं या सिम्टम्स मैच करने होते हैं। एंट्रेंस अगर दो डायरेक्शन हो तो क्या इफेक्ट देगी? दोनों ही इफेक्ट देगी। ग्राफ पेपर पे बॉक्स कैसे काउंट करना है? 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स। ग्राफ पेपर पे बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा आपको ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स। आपने ग्राफ पेपर पे सिंपल आपने मैप को प्रिंट आउट लिया, लेने के बाद में आपने उसको ग्रिड कर लिया, आपके 16 जोन निकल के आए,
उसके बाद में जो जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं उनको 1, 2, 3, 4, 5 करके काउंट करते चले गए और नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख दिए. आपको जरूरत ही नहीं है कि वो सेंटीमीटर है, इंचेस है, फुट है, कुछ भी है. जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस आए वो लिख दिए और आपको जो मैंने एक्सेल शीट दी है वहां पर आपने पेस्ट किया, आपका ग्राफ बन जाएगा. सर हाउ टू डिसाइड N1 टू N8 और E1 टू E8 और ऑल अदर 8 डायरेक्शंस. बायफर्केशंस कैसे होंगी? जब आप शक्ति चक्र लगाओगे उस शक्ति चक्र में ऑटोमेटिकली, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, उसमें शक्ति चक्र जब आप देखोगे तो उसमें सभी एंट्रेंसेस ऑलरेडी मार्क्ड होती हैं, ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती. मिक्स कलर्स होते हैं जैसे पर्पल, एक्वा ग्रीन, उसका एलिमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, जो भी कलर मिक्स है उसमें ज्यादा क्वांटिटी किस कलर की है वो उसका मेजर एलिमेंट होता है. जैसे पर्पल की मैं बात करूं तो उसके अंदर रेड ज्यादा होता है और वायलेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें ब्लू ज्यादा होता है या वाइस वर्सा जो भी. तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसका मेजर एलिमेंट वही होता है. यस सर, आई हैव सीन एनेट क्लोजली एंड दिस हुक और क्रुक वॉज रिलेटेबल सो वॉज सरप्राइज्ड. जी, इसमें सरप्राइज वाली एज सच वैसे कोई बात नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेशन का गेम है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये अकल्ट साइंसेस. आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी तो आप लोग इस बात पे विश्वास कर पाएंगे और आप लोग देख पाएंगे. किसी भी बात को यूं ही मान नहीं लेना. विच एंट्रेंस आर नॉट ट्रीटेबल फ्रॉम S5 टू W1 एंट्रेंसेज आर नॉट ट्रीटेबल. या कोई ऑप्शन ना हो तो ट्रीट करके देखिए, पर मेरा मानना ये है, मेरे केसेस में मैंने ये देखा है कि रिजल्ट उसमें नहीं आते. विल दिस इफेक्ट ओनली लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट? जो भी उस घर को यूज करता है उसको इफेक्ट करेगी, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो चाहे वो टेनेंट हो. घर किसके नाम पे है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. देयर आर मेन गेट, स्टेयर गेट, लिफ्ट गेट एंड फ्लोर गेट. बहुत अच्छा टॉपिक है जी, इसको लिख लीजिए, इसमें नहीं था. अगली बार जब मैं आऊंगा इस लिफ्ट वगैरह इन सबकी एंट्रेंसेस कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. बहुत अच्छा है, आप लोग जितने ज्यादा टॉपिक्स बताते जाओगे मैं उतने ज्यादा टॉपिक्स देता जाऊंगा, बताता जाऊंगा. डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों के डाउट्स कितने और किस तरीके के हैं. सर वेस्ट के सारे एंट्रेंस फिर समझा दीजिए. ओके, आप लोगों के पास PDF आ जाएगी, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. नहीं आए तो टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट्स को लिख के दीजिएगा, मैं अपने वॉइस नोट्स भेजता रहूंगा और मैं आप लोगों के साथ में टच में रहूंगा. How to see entrance while entering or leaving? आगे बढ़ेंगे. अगर N8 की entrance है और अभी तक block नहीं किया लेकिन आज पता चला कि bank loan भी हो सकता है, फिर उसको block करें. अगर bank loan है तो yes, आपको उसको block करना है. Is this all for today, sir? I am leaving, sir. जी, मतलब आपने ऐसी वाली स्माइली भेजी है तो ठीक है जी, मेरा most probably हो चुका है but मैं doubts clear कर रहा हूँ. अच्छा, ये हाथ नहीं, नहीं ऐसे वाली है. मोस्ट प्रॉब्ली कर रहा हूँ क्लियर, बट डाउट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते तक आप सभी लोगों को आ जाए. तो जिसको बैठना है वो बैठिए और डाउट्स को क्लियर कीजिए. हाँ, इस बारे में बात करता हूँ, एंट्रिंग और लिविंग कैसे करना है. कोई और अच्छे अच्छे डाउट्स हो तो सर. बनाए हुए घर की एंट्री, पंकी सर, प्रकाश शास्त्री इज ऑफ भृंगराज विच इज रिस्पॉन्सिबल मनी लॉस, देन हाउ इट इज गुड? प्लीज क्लैरिफाई दिस. भृंगराज, भृंगराज तो S3 में नहीं होता, भृंगराज होता है S6 और S7 में होता है आई थिंक. और भृंगराज S3 में नहीं होता है तो वहां पर तो उसका कोई रोल ही नहीं है. तो भृंग S7 में होता है, S7 में भृंगराज होता है और गंधर्व, ये दोनों मिलके साउथ साउथ वेस्ट बनाते हैं, इसके एंट्रेंसेस बनाते हैं. तो वहां की अगर एंट्रेंस होती है तो मनी लॉस. S3 का भृंगराज से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, सो आगे के डाउट से जाने से पहले, आप सभी लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, परफेक्ट है. सो फटाफट से फेसबुक पर जाइए, वहां पर मैंने एक वीडियो डाली है इसी कोर्स की, नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड. आप जाएं उसको जाकर शेयर कीजिए एज सून एज पॉसिबल. और मैं चाहूंगा कि 3rd batch ऑफ BBC के लिए आप सभी लोग अपने अपने लोगों को जिनका आप भला कर रहे हैं, चाहते हैं, उनको एनरोल करवाइए बिगिनियर वास्तु कोर्स में, ताकि सबको अवेयरनेस, जितने ज्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी वास्तु की
उतने ज्यादा लोग इस पे बिलीव करेंगे, उतनी इसकी मार्केट बड़ी होगी, उतना ज्यादा काम आप सब लोगों को मिलता चला जाएगा। तो फेसबुक पे जाइए, जाके उस वीडियो को शेयर कीजिए खूब से भी ज्यादा, और अगले कोर्स बीवीसी के लिए जो लोग आना चाहते हैं उनको उनके एनरोलमेंट्स डाल दीजिए, क्योंकि मेरा मन अगेन 350 से ज्यादा लोगों को एनरोल करने का नहीं है, और दो बैच ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। वी आर फार्मर एंड वी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, सो इफ ओपन मल्टीपल गेट्स इन 3 and 4, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स मनी विल इंक्रीज, क्या काइंड ऑफ येस और काइंड ऑफ नो? आपको सिर्फ एक ही पॉजिटिव एंट्रेंस खोलनी चाहिए, ज्यादा पॉजिटिव एंट्रेंसेस खोलने का, ऐसा नहीं है कि पैसों की भंडार लग जाएंगे, एक पॉजिटिव एंट्रेंस इज गुड इनफ। मैं एक बार मैप पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के डाउट्स हैं, एक बार आप, इज देयर एनीथिंग लाइक वर्चुअल एंट्री? यस देयर इज समथिंग लाइक वर्चुअल एंट्री, बट वो मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। हाँ, तो हमने एंट्रेंस जाते हुए लेनी है, आते हुए लेनी है, इसका कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जब आप ये ग्रीडिंग कर लेते हो घर की, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एंटर किए, एंटर करने के बाद 214 डिग्री आया, मैंने घर का सेंटर निकाला, इस वाली लाइन पर मैंने 214 डिग्री अपने शक्ति चक्र का पेस्ट कर दिया, लगा दिया, तो इस तरीके का शक्ति चक्र मेरे मैप पर लगकर आ जाएगा। तो आपको डिग्रीज कैसे लेनी है? डिग्रीज हमेशा घर के एंट्री की तरफ फेस करके लेनी है मल्टीपल टाइम्स। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, घर के इस कॉर्नर में भी ले सकते हैं, इस कॉर्नर में भी, बशर्त ये कि जिस भी जगह पर आपकी एंट्रेंस है उसी की तरफ फेस करते हुए, मतलब घर की तरफ एंटर करते हुए देखनी है, और फिर मैपिंग करनी है, और एंट्रेंसेस बन के आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। सपोज करो कि मेरे घर का गेट यहाँ होता, जो ये घर है इसका घर का गेट यहाँ होता, तो ये एंट्रेंस S3 की बन के आ जाती है, और आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली ही वहां पर फॉल करती है, तो आपको ज्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। अभी की केस में ये N6 की एंट्रेंस है, कहीं पर भी होती, अगर ये यहां होती तो ये S8 की एंट्रेंस ऑटोमेटिकली हो जाती, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मैपिंग करनी आनी चाहिए शक्ति चक्र और मैप। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे, इज देयर एनीथिंग लाइक वर्चुअल एंट्री? वर्चुअल एंट्री पे आगे हम बात करेंगे, अभी के लिए वो टॉपिक जब रेमेडीज आएगी तब हम उस पर बात करेंगे। सर, इन द केस स्टडी डिस्कस टुडे यू रिकमेंडेड पिंक इन इट वाइट इन थाउजेंड रेस्ट जोन्स ऑफ वाइट, वॉज दैट फॉर वॉल्स? यस, दैट वॉज फॉर वॉल्स इंक्लूडिंग योर रूफ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ योर फर्नीचर। फर्नीचर भी वैसे कलर के ना हो जाए, मतलब इन जनरल वॉल्स के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। सर, इन मेनी ऑफिस यूरिनल्स आल्सो देयर अलोंग विद सीट, व्हाट इज द रेमेडी फॉर यूरिनल? सेम, जो रेमेडी हम टॉयलेट सीट के लिए करेंगे वही यूरिनल्स के लिए करेंगे, आगे आने वाले वक्त में आपको समझ में आएंगी। क्या हमें एक सीरियल से जो बड़ा जोन को ट्रीट करें या गटाई जोन को ट्रीट करें, इवन इफ अगर वो जोन के इफेक्ट नहीं दिख रहे? हम सिर्फ या बड़े हुए को ट्रीट करेंगे या कम हुए हुए जोन को ट्रीट करेंगे, चाहे इफेक्ट दिखे या इफेक्ट ना दिखे, उन दोनों में से किसी एक को ट्रीट करेंगे और बैलेंस करेंगे। सर, इन योर सेंटर मार्क प्लान सम पोर्शन ऑफ बेडरूम रिमेन आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? परफेक्ट, ये हम लोग एक टेंटेटिव सेंटर मार्किंग के लिए लेते हैं। अगर जैसे मैं इसी घर का एग्जांपल लूं, सपोज कि ये हमारा 100 फिट था, जिसके अंदर से ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, ये सिर्फ 5 या 7 फिट का होगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि यहां पर ये नहीं है, 70% पार्ट पर ये नहीं है। सपोज करो कि ये वाला जो हमारा एरिया है वो यहां तक होता, तो मैं सेंटर यहां से लेता, तो मैं जो सेंटर है उसके लिए पूरा यहां मार्क कर लेता। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको छोड़ दिया है, सिर्फ सेंटर मार्किंग के लिए छोड़ा है, आगे करेंगे जो शक्ति चक्र लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये पूरा ही वेस्ट में काउंट होगा, यहां पर आने वाली एक्टिविटी भी वेस्ट के अंदर काउंट होगी, चाहे मैंने उसको सेंटर के लिए इंक्लूड किया हो, चाहे सेंटर के लिए इंक्लूड ना किया हो,
और जैसे ये वाला पोर्शन है जो हमारे मैप के अंदर नहीं है पर हमने इसको सेंटर के लिए ले लिया है, तो ये मेरे घर का कट एरिया माना जाएगा, और जो मैं बार चार्ट काउंट करूंगा वो सिर्फ मैं यहां तक के लिए ही काउंट करूंगा। विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार मैं आज इस बारे में बात करने वाला था, विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार सिर्फ S4 की एंट्रेंस ही अच्छी होती है, S3 की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, पर आप जब इन जर्नल देखोगे ट्रीट करोगे तो आपको S3 की एंट्रेंस भी पॉजिटिव दिखती है और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते हैं। क्या है इनका डाउट, आस्किंग फॉर द फोर्थ टाइम गुनीशा जी, क्या डाउट है इनका? मुझे आपका गुनीशा जी डाउट दिखाई नहीं दिया, नहीं तो मैं पक्का आपकी बात का जवाब देता। हो सकता है उनका नंबर ही ना आया हो। डन, इट्स ऑल ओके। दोबारा से मैं बात करता हूं, आप सभी लोग तुरंत टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, आप लोगों के पास में लिंक आएगा, उस लिंक से आप एक ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। फटाफट से फेसबुक पर जाइए, जो डली हुई वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैरिटी फॉर्म को भरिए और आने वाले कैंडिडेट्स को जोड़िए अगले सेशन के लिए। अगले सेशन मतलब जो भी BBC का हमारा सेशन होगा, 6 ये जितने भी 8 सेशन हैं इनमें से या तो 6 या सभी 8 के 8 उन लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जाएंगे, रेस्ट 2 से 3 सेशन हम नए टॉपिक्स पे अच्छे से प्रैक्टिकली बात करेंगे। हैव टू ट्रीट, अगर एमनी में टॉयलेट होने के बाद पिछले कुछ सालों से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया है तो क्या रीजन हो सकता है? यस, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है जिसके कारण कोई इफेक्ट नहीं आया, पर देर सवेर वो इफेक्ट आता ही आता है, जैसी दशा अंतरदशा कुछ भी आएगा, पतंतर दशा आएगी तो वो इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा। नहीं आए हैं टचवुड, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर नहीं आया है, पर उनको रिकमेंडेशन यही जाती है कि आप उसको हटा दीजिए या ट्रीट कर लीजिए। शक्ति चक्रा का साइज क्या है? इज इट रेडीमेड? नेवर सीन। यस, वो एक छोटा सा प्रिंट आउट है, आप उसको लीजिए, वो रेडीमेड है, आपको लगाना नहीं है, आप उसका प्रिंट आउट एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे लेंगे, A4 या A4 भी होता है छोटे वाला, उस पे लेंगे, मैप्स पे पुट करेंगे और वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सर, बिल्डिंग, डू वी नीड टू टेक एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो, मेन ओन फ्लैट एंट्रेंस एंड मेन एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो एंड पार्किंग एंट्रेंस, सभी तरीके की जो एंट्रेंसेस होती हैं उनको ट्रीट करना होता है, उनके सिम्टम्स मैच होते हैं। बिलीव इन पानी, इफ वी लीव इन सोसाइटी वेदर वी हैव टू कंसीडर आवर फ्लैट एंट्रेंस ओनली। अच्छा ये बताइए, जो लोगों को जाना था वो लोग चले गए हैं, मैं स्पीड में रहूं या थोड़ा सा आराम से बात करता रहूं? जिन लोगों को जाना था जल्दी थी चले गए, टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं सिर्फ आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि भाग भाग के करें, थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं। सो जिन लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हैं और उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, फेयर इनफ। If east is extended, can we use red color to exhaust it? Not typically red. Use pink color or orange color to exhaust east. Red color in general, क्योंकि उसका खुद का element is आग लगाना, तो कई बार problem create करता है, तो वहां पर pink color या orange color अगर आप use करोगे तो that will be fine. If we live in society, so whether we have to consider our flat entrance or only on the society entrance. Only your flat entrance. अगर आप इस ओरिएंटेशन वास्तु की बात करते हैं, बट अब मैं से दोबारा बात करूं तो सोसाइटी प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, उसके आपके इफेक्ट, आसपास की चीजों के आपके इफेक्ट, कैसे आपको एक सही सोसाइटी चूज करनी चाहिए, कैसे आपके शहर के अंदर आपका मकान कौन सी सोसाइटी में हो वो सही होता है, ये सब एक अलग बात है। बट हाँ, इन जनरल अगर मैं एंट्रेंसेस की बात करूं जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, उसका सिर्फ आपके फ्लैट से ही रिलेशन होता है। मैं एडवांस के अंदर आई थिंक ये वाला टॉपिक है जिसमें हम आसपास के एरियाज का आपके ऊपर क्या इफेक्ट है और कैसे उसको
ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर हम उसमें बात करेंगे। अभी स्टेयरकेस के ऊपर बात नहीं करते इन जनरल। यस, अगर स्टेयरकेस आप ही की अपनी है तो उसको बात चार्ट में इंक्लूड करते हैं, अगर स्टेयर्स कॉमन है तो उसको हम बात चार्ट में इंक्लूड नहीं करते। देयर इज नथिंग लाइक रूम एंट्रेंस। जैसे मैंने आपको बताया, एंट्रेंस सिर्फ वो होती है जो आपको आपके घर की एनर्जीज को, जो आपका अपना घर है उसकी एनर्जीज को बाहर दुनिया के साथ में जोड़ती है। सो वही एक एंट्रेंस होती है। आपका रूम, आपकी किचन, ये सब एंट्रेंसेस काउंटेबल नहीं होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उसको ट्रीट करते हुए, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, उसका कोई आप लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। यस, लिफ्ट भी एंट्रेंस की तरह किसे कंसीडर होती है, पर उसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। सर, एंट्रेंस के ऊपर बेस्ड करके सिम्टम आते हैं या जिस साइड रोड होता है उसको मेन एंट्रेंस कहते हैं? नहीं, जो आपके घर की एंट्रेंस है उसके सामने रोड हो या रोड ना हो, वही होगा, आपके सिम्टम्स वहीं से मैच होंगे। जैसे अगर मेरा ये फ्लैट है जिसमें रोड यहां पर है और मेरे घर की एंट्रेंस यहां है, मैं नीचे से गाड़ी पार्क करके घूम के यहां से आता हूं, सो फॉर मी दिस एंट्रेंस विल वर्क। उसका रोड फेसिंग से क्या कोई रिलेशन नहीं है। रोड फेसिंग का रिलेशन होता क्या है, ये इसमें या एडवांस में मुझे नहीं पता कहां पर ये टॉपिक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है कि मार्ग या रोड आपके घर में किस दिशा में होते हैं, उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको टाउनशिप प्लानिंग या आगे की बात करी फॉर प्लॉट सिलेक्शन एंड ऑल, उसका एंट्रेंस से कोई ताल्लुकात नहीं है, बट हाँ उसका एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है जो कि ट्रीट किया जाना चाहिए। What about other periphery? नहीं समझ में आया सर। इवन इफ वी आर नॉट यूजिंग ऑल द एंट्रेंस स्टिल, यस, अगर आप किसी एंट्रेंस को यूज नहीं भी करते तो भी वो आपको पूरा इफेक्ट देती है। इफ देयर इज एंट्रेंस दैट विल गोना इफेक्ट यू, आइदर यू यूज इट और नॉट। सर, इन बिल्डिंग डू वी नीड टू टेक एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो, मीन्स ऑन फ्लैट एंट्रेंस एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग? नो, नो मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग नॉट गोना इफेक्ट यू एट ऑल। फेसिंग ऑफ फ्लैट के बारे में बताएं, फेसिंग ऑफ फ्लैट के बारे में बताएंगे आने वाले टॉपिक्स में, कोशिश है कि बताएंगे। अच्छा, आप सभी लोग अगर अपने अपने घरों के लिए कर रहे हो तो मतलब बहुत हो गया। अगर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी है तो कोशिश कीजिए, एक डेढ़ साल का टाइम रखिए, कंटेंट बहुत है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, बहुत वक्त भी लगेगा और जल्दबाजी नहीं करते, आराम आराम से चलते हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा ही दूंगा, कोई गैप ही नहीं है उसमें, बट कंटेंट बहुत है, छोटी 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 चीजें बहुत कुछ अभी है। अगर मैं बात करूं तो शायद हम ऐसे ही नए नए कोर्सेज करवाते रहेंगे, कुछ लोग आप में से इन चीजों को बाजार में जाके बहुत जल्द पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मुझे पता है, दिख भी रहा है, और बहुत सारे लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, बट टॉपिक्स बहुत हैं जो काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और सभी आएंगे। हेलो, इन हाउ टू मेक मैप इफ आई डोंट हैव इट, ये तो मैंने ड्राफ्टमैन कंपनी नाम से कंपनी है, वहां पे कॉन्टेक्ट कीजिए, 1200 से 1500 रुपए के अंदर मैप बना के दे रहे हैं, और नहीं तो जो भी आपके लोकल ड्राफ्टमैन है आप उनसे बात कीजिए, वो आपको मैप बना के दे देंगे। नहीं तो मैप के लिए मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि किस तरीके से आप नापते हैं, नापने के बाद आप मैप्स को बताते हैं। 8वें या 9वें सेशन में अगर 8 से नहीं बात चली तो 9वां सेशन एक एडिशनल लेके सारे कोच को दोबारा रिपीट करने की मैं कोशिश करूंगा, अगर टीम ने मुझे इजाजत दी या नहीं मारा तो। Sir, already Vastu Dosh is done by someone else before and after learning now can we apply this new thing? Yes, obviously you can apply it anytime. जिसने जो वास्तु किया with due respect उनकी उस time तक की उनके अपने experiences की समझ होती है वो करते हैं, और हो सकता है मतलब मैं भी और मुझसे बहुत बेहतर लोग वास्तु जानते हों कर रहे हों, so no comparison at all। अगर ये science काम करती है तो आप इसको कभी भी कहीं पर भी अच्छे से इस्तेमाल
कर सकते हो, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। सर अगर कोई 10 साल से किसी घर में रह रहा है बट 2 ईयर से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वास्तुकार रोल होगा? यस ऑफ कोर्स वास्तुकार रोल होगा। एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स के कारण जो आपकी वो दिशा है वो आपको इफेक्ट देना स्टार्ट कर गई है, इसलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। नहीं तो अक्सर 2 साल पहले आपने घर के अंदर कुछ चेंज करवाया होगा, जैसे कोई फर्नीचर आया या आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई कलर करवा लिया, स्पेशली आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर येलो कलर करवा लिया, उसको बढ़ा दिया, तो आपको डिप्रेशन की शिकायत आई होगी। इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस अगर आपने अपने घर में किए होंगे तो ऐसा देखने को मिलता है। डाउनलोडेड टेलीग्राम एंड शेयर्ड FB कौन है जी? ये अच्छे आदमी थे, बिन्नी जी ने कहा है। एंड शेयर्ड पोस्ट ऑल्सो, थैंक यू बिन्नी जी, थैंक यू वेरी मच। नया प्लॉट के लिए डिग्रीज कैसे लें क्योंकि एंट्रेंस तो होती नहीं, जिस भी तरफ उसकी रोड होती है वहां से आप एंट्रेंस की, मैं अभी इस बारे में बता देता हूँ। सर इस बिल्डिंग डू वी नीड टू टेक एंट्रेंस, बता तो दिया। आगे 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 बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अच्छा अच्छा, एस्ट्रोलॉजी वाइज वास्तु चलता है क्या? नहीं नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। वास्तु एक पूरी इंडिपेंडेंट जर्नी है, बट एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स के कारण कुछ इफेक्ट आपकी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मेरी लाइफ में शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उसको शनि से जैसे रिजल्ट मिलेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले उस समय उसकी लाइफ में ज्यादा करेगी। वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है? वास्तु इज ऑल अबाउट जिस घर में आपने जन्म लिया वो धरती पे कैसा है और उस समय पर आकाश कैसा है, ये एस्ट्रोलॉजी है। तो इनका आपस में जो संबंध है दैट इज व्हाट एस्ट्रो वास्तु इज। तो थोड़ा सा लिंक है भी, लेकिन ये एक दूसरे के हिसाब से नहीं चलते, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। टॉयलेट एंड बेडरूम सिम्टम्स मैच बट नॉट एंट्रेंस और वाइस वर्सा, व्हाट कैन बी द रीजन? रीजन इज एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस कि कई बार सिम्टम्स मैच नहीं करते, कई बार वो प्रॉब्लम उनके लिए अभी उतनी मायने नहीं रखती। जैसे सपोज करो किसी के घर के वेस्ट में टॉयलेट है लेकिन उनके पास पैसा बहुत है, और उनके घर के साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, तो उनको रिलेशनशिप ज्यादा दिमाग खराब कर रही है, या तो उनको लगेगा कि मेरे लिए वेस्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस तरीके से उनके सिम्टम्स कई बार मैच नहीं कर रहे होते, और एंट्रेंस के सिम्टम भी अगर मैच नहीं कर रहे होते तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब भी सिम्टम्स आए तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लोशो ग्रिड बताएंगे क्या? वो न्यूमरोलॉजी में है। S6 S7 माय एंट्री व्हाट आई डू, एंट्री का इफेक्ट सब घर के मेंबर्स पर दिखेगा क्या? यस, सब घर के मेंबर्स पर दिखेगा। एननेट को किस कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे? एननेट को किस कलर की टेप से, आगे बात करेंगे इस बारे में। इफ साउथ ईस्ट इज कट सो वी हैव टू यूज ग्रीन या रेड पिंक टू एक्सटेंड कट पोर्शन, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। रेमेडीज के बारे में, सर मंदिर में आइडियल के क्लोथ्स और नीचे बिछा कपड़ा भी वास्तु फेवरेबल डायरेक्शन का होना चाहिए। यस, मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा वास्तु फेवरेबल डायरेक्शन का होना चाहिए। अगर ईस्ट कट है और नॉर्थ वेस्ट में शाफ्ट है, अगर ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट शाफ्ट बाथरूम है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट के बारे में अभी हम बात नहीं करते, अभी सिर्फ मैपिंग के बारे में हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके आप लोगों को आ जाएंगे। कोई ऐसा है जो बोर हो गया हो? मतलब कुछ लोग तो इतने बोर हो गए कि इस बात का जवाब देने का भी मन नहीं कर रहा है ना। नितेश जी, नितेश खन्ना जी फुल एकदम आराम से मतलब बिंदास लेते हुए हैं कि आने दो, जो चल रहा है आने दो, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, पढ़ाए रख। और कौन है देखे इनको थोड़ा सा? अब लोग एकदम से, कुछ कुछ लोग तो यूं एकदम बालों वालों में हाथ मार के मैं आने वाला हूं जी सामने तैयार हो गए। बोर हो गए आप लोग? यह ज्यादा हो गया, कंटेंट ज्यादा है, मतलब ऐसा है कि कुछ कम करना चाहिए, हमें कम पढ़ाना चाहिए। कंटेंट है ही बहुत सारा, मतलब ये फील्ड ही ऐसा है, इसमें कंटेंट होता ही बहुत जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आया कि लोग कम देते क्यों है, बट होता है। डन डन डन। कुछ लोग जब ऐसी बात मैं करता हूँ ना कैमरे वाली, तो अपने कैमरे को बंद कर देते हैं तुरंत, और फिर दिखाई देता है कि उन्होंने अभी अभी बंद किया और वो पकड़े गए।
डन। तो ऐसे ही मस्त रहो और मजे लूटते रहो, चीजें बहुत सारी आने वाली हैं, ये तो बहुत शुरुआत है। कोशिश करो ज्यादा पढ़ने की ताकि हम सब लोग मिलके लोगों का काम अच्छे से कर पाए। मेरा मन ऐसा है कि ऐसा कुछ ना हो जो कम आप लोगों के पास जाए और कोई इंसान आपसे जुड़ के रह जाए कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। डन। तो बहुत सारे लोग आप लोगों में से सहयोगी बनने के लिए आए, उनके मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। हम लोग बहुत जल्द एक सहयोगी मीट करने वाले हैं जिसमें आप सभी लोगों के पास गाइडलाइंस जाएंगी, कैसे काम करना है, कैसे प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, इसके बारे में हम उस पर बात करेंगे। हाँ, कोई और अच्छा सा क्वेश्चन है क्या? इफ आई हैव माय अर्लियर, हाँ, इफ यूज इज एग्जॉस्टेड एंड सिम्टम्स आर मैचिंग एंड ऑलरेडी रेड कलर किचन इज देयर, व्हाट वी कैन डू? एज आई हैव हियर्ड ईएससी में रेड भी सोना चाहिए नहीं होना, इसका रीजन क्या है? ईएससी में रेड नहीं होना चाहिए, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ आप सभी लोगों को मैं टॉपिक बाय टॉपिक बोलता हूँ, आप लोगों को क्लियर है डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स, आप सभी लोगों को क्लियर है? परफेक्ट, ऐसे ऐसे करना है। डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स आप सभी लोगों को क्लियर है? परफेक्ट। आप सभी लोगों को एलिमेंट्स क्लियर है? पंच तत्व क्लियर है? साइकिल ऑफ इनिशिएशन क्लियर है? साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट साइकिल, ये आपको क्लियर है? परफेक्ट। सेंटर निकालना आप लोगों को आ गया है? बढ़िया। ग्रीडिंग करना आप लोगों को आ गया है या एटलीस्ट समझ में आ गया है ग्रीडिंग करना, जो मैंने आज सिखाया शक्ति चक्र रख के आपको 16 दिशाएं मार्क करनी आ गई हैं? परफेक्ट। और उससे सिम्टम मैच करना, जैसे आपने प्रॉब्लम्स को एक तरफ लिखा और नॉर्थ में टॉयलेट अगर है उसमें उससे क्या होगा, जैसे टॉयलेट के इफेक्ट, किचन के इफेक्ट और बेडरूम के इफेक्ट आप लोगों को आ गए हैं। बस फिर लगा दो आग, फिर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फिर तो लगा दीजिए आग। मतलब इतना तो बहुत लोगों को आता ही नहीं और आएगा भी नहीं कभी। सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी 10 मिनट राइट, 6:30 बजे हम रैपअप करेंगे सेशन को और फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। दोबारा हम बात करते हैं 18, 19, 20 और 21 को अगला सेशन होगा। जल्दी से जल्दी चीजों के पीछे भागिए, उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और आप लोगों को सिखा पाऊं। रेस्ट, सहयोगी मीट हमारी नेक्स्ट आने वाली है, और ऐसा कोई मैसेज जो हमने पास करना हो एज ऑफ नाउ? डन। सर प्लीज रिप्लाई, सर अगर कोई 10 साल से किसी घर में रह रहा है, मैंने कर तो दिया इस बात का रिप्लाई सर। What about common entrance area? As we also said, common entrance area से कोई फर्क नहीं पड़ता। Sir, what if we have booked a flat and it is under construction? Then how do we count its degree? Because for calculating degree, we need to be standing at the entrance. Okay. So entrance पे खड़े रहना जरूरी क्यों है? ताकि आप लोग भूल ना जाओ। अगर मेरे घर की entrance ये है, तो मैंने यहाँ पर क्यों बोला है? क्योंकि ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। अगर आप फेसिंग को इधर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आपकी फेसिंग थी किस तरफ। अगर आप घर के अंदर घुसे, घुसने के बाद में आपने फेसिंग को इधर कर लिया है, तो आपको जब मैप होगा उसमें भी एरो मार्क करके अपनी डिग्री को इधर ही लिखना होगा, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिग्रीज होंगी। फिर जो हमने मैप के ऊपर सेंटर निकाला है, उस सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करके, और जो हमारे अलाइनमेंट करना होगा वो इस तरफ करना होगा। अब अगर हम बात करें कि रोड फेसिंग, और अगर प्लॉट है, सपोज करो ये मेरा प्लॉट है और यहां पर ये रोड है, तो आप इसकी जो भी बाउंड्रीज है, जैसे मान लो ये 80 फुट है, ये 90 फुट है, 80x90 का एक टेंटेटिव लेआउट बना लीजिए ऑटोकैड में या अपने ग्राफ पेपर पे, और किसी भी रोड की तरफ से आपने एंटर किया और डिग्रीज लिख ली। सपोज ये डिग्री आई 10, आपने डिग्रीज लिख ली, लिखने के बाद में आपके पास ये लेआउट आया, ये एक टेंटेटिव लेआउट है जो कल को बनेगा 80x90 का,
यहां पर आपने सेंटर निकालने के बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और यहां पर 10 डिग्री को लगा दिया और मैप कर लिया। जब आप मैप कर लोगे, करने के बाद में आपको सारी एंट्रेंस कहां पर देनी है, कैसे प्लान करना है, ये समझ में आ जाएगा। जब आप नया घर बनाने के ऊपर हम बात करेंगे, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो टीम फिर से नाराज हो गई मेरी, मतलब क्या करें। सो उनका मैसेज आया कि एज ऑफ नाउ आप लोगों के पास में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आराम आराम से आते रहेंगे, बहुत हद्दड़ नहीं मचानी, धीरे धीरे चलते रहेंगे। मैं बहुत सारी चीजों को फास्ट फास्ट बोल देता हूँ, उन लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, मुझे डांट पड़ती है, तो आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। आई थिंक क्लियर बात। Done. चला जाए, आज के लिए बहुत है, आई थिंक बहुत हो गया, मतलब मैसेजेस तुम आप लोगों के तो फिर भी नहीं आए, पर टीम के बहुत सारे आ गए हैं कि हो गया। तो हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, 18, 19, 20, 21 और आपकी ये बेसिक वाली जर्नी एक बार के लिए पूरी होगी और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जाइए फेसबुक की वीडियोस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, सिर्फ दिल के अंदर एक ही बात रखते हुए कि उनका कुछ फायदा हो, और जब सामने वाले का फायदा होगा तो आपका फायदा ऑटोमेटिकली होगा। थैंक यू, विल मीट अगेन ऑन 18th। जिस जिसके डाउट्स रह गए, लिटरली सॉरी, मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी के डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हों, आप सभी को समझ में आए, बट टाइम कंस्ट्रेन है, हम लोगों को निकलना भी है। So, thank you very much. Namaskar. Bye-bye. Lots of love and happiness to all. Meditation करते रहिए, manifestation करते रहिए, जो tricks मैंने बताई हैं वो करते रहिए, जाके videos को देखते रहिए, और thank you all and Shabbat Khair, Shubh Ratri, धन्यवाद, bye-bye.